यू फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर स्पेशल प्रोग्राम फॉर सेकंड डे। कुडोस टू गौरव जी, लॉट ऑफ फीडबैक हैज बीन रिसीव्ड एंड पीपल हैव गॉन टू द एक्सटेंट गौरव जी दैट देव हर्ड यू आफ्टर 5 इयर्स, बट इट्स अ डिफरेंट गौरव सिंगल व्हाट देव हर्ड। सो विद दिस आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट मच टाइम एंड आई वुड रिक्वेस्ट गौरव जी टू बिगिन विद द टुडेज सेलिब्रेशंस। Sure, sir. Thank you, everybody, and thanks a lot for your kind words. I will now move to where we left off last, yesterday. I think this was a slide that we were discussing, just a quick sort of reminder. हमने कल डिस्कस किए थे दो चीजें टुवर्ड्स द एंड, एक तो कमिश्नर मॉडल और दूसरा कैसे प्लेस ऑफ कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया से बाहर शिफ्ट करके पीई के अवॉर्डेंस को बचाया जाता है। उन दोनों चीजों को कैसे ये वाला पर्टिकुलर एमएलआई ड्राफ्ट जो आप राइट नाउ देख रहे हैं उसे एड्रेस किया करता है। जो फर्स्ट पार्ट हाईलाइटेड है दैट पार्ट हाईलाइट्स द अदर पार्ट ब्लॉक्स द अवॉइडेंस बाय शिफ्टिंग द प्लेस ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द सेकंड हाईलाइटेड पार्ट जो दूसरी सब बुलेट है दैट दैट पार्ट एड्रेसेस द लूप होल व्हिच वाज देयर फॉर कमिश्नर्स। जो कल के सेशन में दो सजेशन आई थी उनमें से एक को तो खैर दैट वाज अ इजी वन, सो आई हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड कि जो लिंक्स मैंने कल वहां पे सिर्फ एक वो एरोज की तरीके से डाले हुए थे वो लिंक्स मैंने स्लाइड में प्रॉपरली डाल दी हैं। स्लाइड्स आपको भी थोड़ी देर में सर्कुलेट हो जाएंगे। जो दूसरा सजेशन था दैट यू नो एक वो चार्ट बनाया जाए, कल अपेरेंटली देयर वाज सम लास्ट मिनट ओपिनियन दैट केम बिकॉज ऑफ व्हिच यू नो व्हाई माय टीम प्रिपेयर्ड अ चार्ट बट आई कुड नॉट रिव्यू इट, सो माय अपोलॉजीज फॉर दैट। आई विल ड्रॉप विद यू शॉर्टली ऑफ द चार्ट की कौन कौन सी कंट्रीज के ट्रीटीज इस कमिश्नर वाले अमेंडमेंट की वजह से या एमएलआई की वजह से इंपैक्ट हो रही है। दैट इज समथिंग दैट आई ओ टू यू एंड आई विल डू दैट। बट मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, जरा हमने हमने ये चीज तो देख ली कि कैसे एमएलआई का ये ड्राफ्ट इन दोनों चीजों को एड्रेस किया करता है। बट एज आई मेंशन्ड यस्टरडे, लो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर, नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन मॉडल जिसके अंदर फॉरन कंपनी जो है वो लो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करती है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में, वो कमिश्नर अपॉइंट नहीं करती। और इन दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस है एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस डिफरेंस परहैप्स एट अ लेटर स्टेज बिकॉज द डिफरेंस इज अ बिट यू नो लीगल डिफरेंस द वे द रिस्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। बट लो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर के केस के अंदर ये अमेंडमेंट इम्पैक्ट नहीं करेगी, और उसका कारण ये है कि ये अमेंडमेंट इज ट्रिगर्ड फ्रॉम एक्शन प्लान 7। और अगर मैं ओईसीडी बेप्स के एक्शन प्लान 7 की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो उसमें लिखा हुआ है कि उनकी इंटेंशन लो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करने की नहीं है। अगर इंडियन जुडिशरी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेती है तो वो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वेट एंड सी, बट एटलीस्ट टिल नाउ द इंटेंशन ऑफ द एमएलआई इज नॉट टू टारगेट लो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर्स, इट इज ओनली टू टारगेट कमिश्नर्स। सो दिस इज वेयर वी लेफ्ट ऑफ यस्टरडे। वी ऑल्सो टच्ड अपॉन द फैक्ट दैट इवन इन द डोमेस्टिक टैक्स लॉ सिमिलर अमेंडमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड, सो दैट ये नाउ कि जो टैक्स पेयर है वो ये कह रहे हैं कि अच्छा भाई यू नो ट्रीटी और एक्ट विच एवर इज बेनिफिशियल, और ट्रीटी के अंदर तो कमिश्नर्स को आपने टैक्स करने का तरीका बना दिया लेकिन एक्ट में तो अभी तक नहीं बनाया। इसलिए एक्ट के अंदर अगर आप 2018 के अमेंडमेंट्स देखेंगे तो उसमें ये दोनों चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट की जा चुकी है सेक्शन 9 के अंदर बिजनेस करेक्शन की डेफिनेशन। जो एक दूसरा लूप होल काफी ज्यादा यूज हो रहा था पी से बचने के लिए जिसके बारे में यस्टरडे आल्सो आई टच्ड अपॉन इट, बट देन हाउ इट हैज बीन सॉल्वड इज समथिंग दैट वी विल सी टुडे। And remember I told you about the decision of Delhi High Court in January 2019 in the case of GE, General Electric, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम तो independent है, हम किसी पे dependent ही नहीं है क्योंकि हम तो 24 country companies के साथ काम किया करते हैं। While Delhi High Court negated that, but at a treaty level, really speaking, वो grey थी। और उसका कारण क्या है कि agency P के अंदर जो dependent agent में dependent word की commentary थी, वो डिपेंडेंस क्या होती है वो जज करने के लिए ओईसीडी की कमेंट्री में ट्रेडिशनली जो अभी तक लिखा हुआ आ रहा था वो ये था दैट यू हैव टू जज द डिपेंडेंस ऑन टू पैरामीटर्स, पैरामीटर नंबर 1 लीगल डिपेंडेंस, पैरामीटर नंबर 2 इकोनॉमिक डिपेंडेंस। बट इट डिड नॉट टॉक अबाउट एक्सक्लूसिविटी एट ऑल, व्हिच मींस थियोरेटिकली दैट इफ देयर इज अ फॉरेन प्रिंसिपल व्हिच हैज अ लोकल एजेंट, द लोकल एजेंट इज डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद द फॉरेन प्रिंसिपल, वो और किसी के साथ साथ काम ही नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी अगर वो ये कहते हैं कि मेरी डिपेंडेंस क्रिएट नहीं हो रही है, in my personal view economic dependence create ho rahi hai, but if he is able to claim that uski dependence create nahi ho rahi hai, it has sufficient working capital plus legally wo apna kaam independently kiya karta hai, and legal independence ka matlab ye nahi hota ki uska contract se fake jane ke sath hai, legal independence ki jo commentary again OECD mein di hui hai wo ye di hui hai ki aap kaam kaise karte hain, kya karte hain nahi kaise karte hain, manner of doing work, not what do you work upon, how do you conduct that।
इसके बेसिस पे लीगल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस डिफाइन होती है. सो इस सारी लीगल्स आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर अ लॉट ऑफ टाइम एजेंट्स वर आर्ग्यूइंग दैट ऑल्दो वी आर एक्सक्लूसिव एजेंट्स एंड येट वी आर इंडिपेंडेंट, विच वॉज एन ऑड कॉन्सेप्ट. आप ही सोच के देख लीजिए सर, अगर मेरी प्रैक्टिस आज की तारीख में सिर्फ एक ही क्लाइंट के बेसिस पे चल रही है और प्रिडोमिनेंटली एक ही बड़े क्लाइंट के बेसिस पे चल रही है, आई नो आई विल ऑलवेज से दैट आई एम इंडिपेंडेंट. एंड मे बी इन लॉट ऑफ केसेस जहां पे ऑडिट में इश्यू होता है, आई विल ऑलवेज से दैट आई एम डेफिनेटली इंडिपेंडेंट बिकॉज अदरवाइज आई कांट बी एन ऑडिटर. बट रियली स्पीकिंग अ क्वेश्चन माइट अराइज इन समबडीज माइंड दैट इफ देयर इज वन पर्सन जिसकी वजह से मेरे पूरे स्टाफ का, मेरा यू नो पूरा का पूरा हाउस होल्ड रन कर रहा है उसकी फीस की वजह से, देन इज दैट रियली अ केस ऑफ डिपेंडेंस और नॉट. I'm not commenting about the audit function, but at least in the context of international taxation, in the context of agency PE, this is something which MLI has said that we'll probably have to relook at it. And what has MLI done about it? Let's see that. MLI has said that ab jab hum baat karenge dependence ke bare mein, to ek cheez aur add kar denge. What is that exact one thing which is added? Jo independence ki exclusion hai, us exclusion ke liye pehle paragraph ye kehta hai कि अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो उसे पीई नहीं माना जाएगा, एजेंट पी नहीं माना जाएगा. वो कैसे कहता है, पैरा वन शैल नॉट अप्लाई. पैरा वन इज अ पैराग्राफ व्हिच क्रिएट्स एजेंसी पी. पैरा वन शैल नॉट अप्लाई वेयर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट कैरीज ऑन बिजनेस इन द सोर्स स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंट. तो एज सच तो अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंट है तो पैरा वन का एजेंसी पी एप्लीकेबल नहीं होगा. बट वेयर सच पर्सन एक्ट्स एक्सक्लूसिवली और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन बिहाफ ऑफ दैट एंटरप्राइज or its closely related enterprises, then it should not be considered as an independent agent. Now, this is something which has been added by virtue of the MLI. MLI keh raha hai ki theek hai, hamesha se ye likha hua aaya hai ki independent agent ki wajah se agency P nahi ban sakti, sirf dependent agent ki wajah se agency P ban sakti hai. Lekin ab usne ek cheez likh di hai ki agar ek agent exclusively ya almost exclusively kaam kar raha hai ya to ek enterprise ke liye ya उस एंटरप्राइज और उसके क्लोजली रिलेटेड एंटरप्राइजेस के लिए, जो जी वाले सिचुएशन में था कि एक सिंगल एंटरप्राइज के लिए एक्सक्लूसिवली काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उसके 24 क्लोजली रिलेटेड एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे हैं, इन दैट केस दैट एजेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट एजेंट. दैट एजेंट बाय डेफिनेशन बाय दिस डीमिंग फिक्शन विल बिकम अ डिपेंडेंट एजेंट. And if that dependent agent undertakes any of those activities जो हमने अभी कल डिस्कस करी थी, such as concluding the contract, or playing a principal role leading to conclusion of contract, then agency PE will be triggered. I have it seems a few questions. How almost exclusively is to be interpreted? You know, these are questions which would perhaps depend upon the industry, sir, and it may differ therefore from industry to industry. I can't lay down a black and white line ki 90% is almost exclusively, because fir I am sure koi na koi multinational group 89% wali situation create kar hi dega aur wo 11% revenue uske kisi aur not so closely related enterprise lekin fir bhi rigged up revenues honge. So perhaps there is a reason why no percentage has been laid down in the law, but it would depend upon the industry that we are talking about. In some industries perhaps 100%. अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यू नो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पे समथिंग विच क्रॉसेस इवन 60% इज अ बिग परसेंटेज. वेर एज अगर मैं बात कर रहा हूँ एक यू नो समबडी हु इज अ ट्रेडर इन अ डेली कोर्स जिसे हम रतियाज का करते हैं, रतियाज के केस के अंदर ही में एक्चुअली टेल यू दैट ठीक है मेरा तो 40% काम 50% काम एक जने से आ रहा है एंड येट आई डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट वन सिंगल क्लाइंट बिकॉज दैट्स हाउ द इंडस्ट्री इज, बिकॉज द इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. So where the industry is operating in perfect competition, such as in the case of Arathiya, such as in the case of general traders, वहाँ पे ये percentage जो होगी ये शायद बहुत high लेके जानी पड़ेगी. जहाँ पे the industry is nearly an oligopoly, वहाँ पे percentage इससे काफी different होगी. So this is my personal view. OECD has not commented upon this. I'm moving to another kind of abuse now, and from that abuse, we will move on to how the MLI has tried to target it. First of all, what is the abuse? We have talked about permanent establishment yesterday. In the existing rules of permanent establishment, there is an exception. And what is that exception? That exception is that, okay, fine, the foreign enterprise probably has an office in India, probably has an agent in India, but that office or that enterprise is doing very small activities. These activities are technically called in our jargon as preparatory or auxiliary activities. Now, these activities are activities which are definitely carried on for the foreign enterprise, but
it appears they do not add a lot to the profit generating ability of an enterprise. They're such small activities, and therefore, if the only activity which the foreign enterprise is carrying out in India, if those activities are in the nature of preparatory or auxiliary activities, then as per the existing provisions of Article 5 of almost all the treaties, PE will still not be created. And agar hum dekhe, iski reflection mujhe apne income tax law mein nazar aati hai. Jab main business connection ki definition dekhta hu, to sahab aap usme jayenge purely purchasing activity ki wajah se business connection create nahi ho sakta. Purely information collection ki wajah se business connection nahi create ho sakta. Ye already section 9 mein kai saalon se likha hua aa raha hai. Because again, aisa mana jata raha hai कि ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा शायद कंट्रीब्यूट ही नहीं करती है टू द प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी. परचेज के केस में खैर कहानी ये भी है कि ऑब्वियसली देयर इज अ फॉरेन एक्सचेंज एंगल टू इट. और न्यूज के केस में एक और इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि किसी जमाने के अंदर जब इंडिया में इमरजेंसी लग गई थी तो उस टाइम पे जब पूरी की पूरी मीडिया के ऊपर कर्ब लगाया गया था, उस टाइम पे लीगल ल्यूमिनरी नानी पालकी वाला साहब ने उस टाइम पे इस चीज पे आर्ग्यू किया गया था कि आप सिर्फ मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग के लिए टाइम्स मैगजीन, नॉट द इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया बट द टाइम्स मैगजीन, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सिर्फ उसे टैक्स डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते. ये कह के कि वो अखबार में अपनी मैगजीन में जो न्यूज छाप रहा है वो तो इंडिया की है, तो इसका मतलब इनकम इंडिया से अराइज हो रही है. न्यूज तो पूरी दुनिया की छाप ही जाएगी. और इस चीज पे जब नानी पालकी वाला साहब ने उस आर्ग्यूमेंट में बहुत ड्रैग कर करके बहुत ज्यादा रेवेन्यू का मजाक उड़ाया, काफी अजीब अजीब एग्जाम्पल देकर उन्हें जलील किया, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसे गिव अप करके सेक्शन 9 में अमेंडमेंट कर दिया. दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर अनदर डे. बट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज. देयरफॉर दीज एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. लेकिन इसका मिसयूज क्या होता है सर? इसका मिसयूज दो तरीके से होता है. पहला चीज तो यह है कि ज्यादातर ट्रीटीज के अंदर सिर्फ प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटी लिख के नहीं छोड़ा गया, उसमें एक लिस्ट बनाई गई है कि इन इन एक्टिविटीज को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. उन्होंने एक्सक्लूड किया इसलिए था क्योंकि उनकी मंशा थी कि ये तो शायद सिर्फ प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटी होती है तो इन पे से क्या टैक्स लेना. लेकिन आज के जमाने में शायद एक रियलाइजेशन अराइज अपॉन हो रही है कि वो एक्टिविटीज जो हमें पहले प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी रखती थी, आज की तरह में वही एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो गई. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट सर. अगर आप प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज के एग्जांपल देखेंगे तो काफी सारे ट्रीटीज में, समय तो नहीं बट बहुत सारे ट्रीटीज के अंदर प्योरली स्टोरेज ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सक्लूडेड एक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक एक्टिविटी एग्जेम्पशन में डाल के इसकी वजह से कभी भी पी नहीं बनने देंगे, ऐसा लिखा हुआ है. एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर एक फॉरेन एंटरप्राइज है, उसका इंडिया में सिर्फ एक वेयर हाउस है और कुछ भी नहीं, तो फिर ठीक है सिर्फ वेयर हाउसिंग की वजह से कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूट कर देंगे सर उस पर, तो ये सोच के पास्ट के अंदर इस पे टैक्स नहीं लगाया जाता था. आपको याद होगा आज से कोई 10-1 साल पहले जब बहुत सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे, रात को 11 बज चुके होते थे, तब भी टीवी चल रहा होता था, तो उसमें वो रात के टाइम वो टेलीब्रांड्स के एड आया करते थे और उन एड्स के अंदर क्या हुआ करता था, मेरे सर पे पहले बाल नहीं थे और मेरे जो बाल दाढ़ी पे भी थे वो भी सफेद होते जा रहे थे, मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते थे, मैं हीन भावना से ग्रस्त था, लेकिन तब उसके बाद मैंने ये पर्टिकुलर लोशन लगाया और मेरी जिंदगी रंगीन हो गई. राइट, इस टाइप के एड्स आया करते थे और वो एड्स सुन के कभी कभी कुछ एक लोग, आई विल नॉट एडमिट इन माय ओन पर्सनल केस, लेकिन वो ऐसी चीजें शायद ऑर्डर कर भी देते होंगे. अब उन केसेस के अंदर कैच क्या होता था, उन केसेस के अंदर अ लॉट ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट्स वर प्लेस्ड बाय फॉरेन कंपनीज बट दे हैड नो ऑपरेशंस इन इंडिया. हाँ, आप तक गुड्स डिलीवर हो जाए, क्योंकि उसमें आता था ना अभी हमारी लाइंस खुली हुई है, अगर आप अगले 1 घंटे के अंदर कॉल करते हैं तो हम आपको देंगे 20% डिस्काउंट और इसके साथ में एक मिक्सर जूसर ग्राइंडर फ्री, तो वो आपको जल्द से डिलीवर करने के लिए लोकल कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर एक कोई छोटा मोटा वेयर हाउस रखा हुआ होता था. तो ऐसा माना जाता था कि ठीक है इस वेयर हाउस से ऐसा कितना कमा लेंगे, एक्चुअल में जो कमाई हो रही है वो तो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हो रही है, और उस टाइम पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स की वजह से होने वाली कमाई को टैक्स करने के लिए, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए इतनी दूर तक किसी ने सोचा नहीं था, बिकॉज दैट वाज नॉट द कोर बिजनेस मॉडल, वो तो डिजिटल इकोनॉमी के आने के बाद. लेकिन अब मैं आज की तारीख में, आपका 2018-19-20, नाउ वी सी that one of the largest traders of the world is actually capitalized upon the fact that it has lakhs of warehouses all over the world. And I'm talking about the likes of AliExpress, Alibaba, and most importantly, Amazon. आज की तारीख में अगर आप और मैं Amazon से order करते हैं तो वो क्यों करते हैं? उसका काफी हद तक एक बहुत बड़ा reason ये है कि we are confident that the goods will be delivered to us, they'll be delivered in a good shape, they'll not be too old, and they'll be delivered to us in time. Which is where Amazon is winning over even the common mom and pop store, even the common retailers that we have around us.
therefore that activity जिसके बारे में पहले सोचा जाता था कि warehousing activity से कितना profit attribute जाएगा साहब, आज की तारीख में Amazon उसी activity की वजह से lead कर रहा है और सिर्फ इंडिया में नहीं globally lead कर रहा है। तो ऐसे में, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इस तरीके के कई सारे और एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में अब ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि हमने पास्ट में से एक्सक्लूड तो कर दिया था ये एज्यूम करके कि वो प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटी है, बट ये एजम्पशन हमने हर जगह पे लिखी नहीं। और देयरफॉर आज की तारीख में वही एक्टिविटीज अगर प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज नहीं तो क्या उन्हें स्पेसिफिक एक्टिविटी एग्जेम्पशन देते रहना क्या ये उचित है? क्या उसकी वजह से परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ना बनाना क्या ये सही है? दूसरी चीज, अब प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटी होती क्या है और उसके पीछे इंटेंशन क्या होती है? उसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि कोई एक फॉरेन बिजनेसमैन एक लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आके काम शुरू करने से पहले, धंधा शुरू करने से पहले अगर कुछ थोड़ी सी एक्टिविटीज करते हैं जिसे वो अंग्रेजी में साहब क्या बोलते हैं, डिपिंग द टोज, यानी कि पानी में कूदने से पहले एक बार देख लिया जाए कि पानी कितना ठंडा है या नहीं। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी इंडिया में बिजनेस सेटअप करने से पहले हो सकता है एक छोटा सा लाइसेंस ऑफिस सेटअप करे देखने के लिए कि देख लेते हैं कि इंडियन बिजनेस क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके से काम होते हैं, तो इतनी सी एक्टिविटी के लिए टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटी की जो पहचान है, देखिए सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सब बुलेट, दैट इट्स नेवर द एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, इट इज अंडरटेकन ओनली द कॉन्टेम्पलेशन की एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अभी बिजनेस शुरू करेंगे इसलिए इस एक्टिविटी को किया जा रहा है, और यूजली वो रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड का होता है। लेकिन जब मैं रियलिटी में स्विच ओवर करता हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब रियलिटी में हम क्या देखते हैं कि भाई देखा जाए तो लाइजन ऑफिस तो सिर्फ इसलिए अलाउ किया था आरबीआई ने कि फॉरेन कंपनीज यहां पे आके बिजनेस शुरू करने से पहले शुरू में एक बिजनेस क्लाइमेट स्टडी कर लेंगे। तो लाइजन ऑफिस कितने टाइम तक ओपन होने की एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है? 2 साल 3 साल। आई हैव अ क्लाइंट व्हिच हैज अ लाइजन ऑफिस व्हिच इज ओपन सिंस 1998, अभी भी लाइजन ऑफिस चल रहा है उसका। सो भाई कब तक तुम ये अपनी प्रिपरेटरी एक्टिविटी करते रहोगे? बिकॉज इट इज टू बी इन प्रिपरेशन फॉर एक्चुअल बिजनेस, व्हेन इज दैट गोइंग टू हैपन? And when this realization dawned upon it, dawned upon the world business community, world tax community, then the question was, how do we address it? MLI में इसके दो तरीकों से इसे address करने का सोचा गया, दो options दी गए। Remember in yesterday's discussion, I told you कई तरीके से MLI को flexible create किया गया है। तो MLI के अंदर यहाँ पे flexibility दी गई कि एक काम करते हैं, हम दो ऑप्शन दे देते हैं कंट्रीज को, वो उन दो में से कोई भी एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें। जाहिर है अगर दोनों कंट्रीज की ऑप्शन मैच होगी तभी जाके एमएलआई चेंज होगा, मिसमैच हो गया जो कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था सिंगापुर और इंडिया का हो गया इसी वाले कंटेक्स्ट के अंदर, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और वो दो ऑप्शन क्या थी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। गौरव जी, प्लीज सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, only just wanted to interrupt you between this preparatory and auxiliary. जी, you know there is a lot more difference in both these terms. Preparatory, what you are saying is correct, but right. I am focusing on the auxiliary because there are so many auxiliary activities, right, which you can say whether it is substantial for the organization to be carried out or not. So how we differentiate that, whether this auxiliary activities which is being carried out by commissioner are, right, or by the independent liaison office or right, by any agent which have the independent or non-independent. Yes. So there is very silver lining. Can you throw some light on this auxiliary activities? I will try, sir. Firstly, commissioners don't do auxiliary activity. They do the core activity. But yes, liaison offices do auxiliary activity. See, the idea is, and iski reflection mujhe kahin jagah pe FEMA mein bhi dikhti hai. Liaison offices are not permitted to do any commercial activity or a profit generating activity, but any side activity, a small activity which has such a tiny role to play in the overall business function, that agar main sare ke sare business functions ko kahin pe in the order of importance rank karne ki koshish karun, to it does not figure in anywhere materially. इन एक्टिविटीज को चाहे प्रिपरेटरी ना भी हो तो इन्हें ऑक्सिलरी कहा जाता है। वेयरहाउसिंग ट्रेडिशनली ऑक्सिलरी एक्टिविटी ही होती थी, क्योंकि अगर किसी फॉरेन कंपनी ने यहाँ पे अपना वेयरहाउस सेटअप कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके आगे चल के यहाँ पे फुल फ्लेज्ड सब्सिडियरी सेटअप करने की मंशा है। बट ये फिर भी सच है कि वो इतनी छोटी एक्टिविटी है कि जो 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 कोर पार्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कोर पार्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट विच विल फैसिनेट यू एट 11 o'clock इन द नाइट, विच दैट द प्रोडक्ट विच विल सेल यू दिस प्रॉमिस दैट यू विल स्टार्ट ग्रोइंग लॉन्ग फ्लोइंग हेयर ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, दोज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर रिसर्च एक्टिविटीज, दैट्स अ फर्स्ट एक्टिविटी। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंटली द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल आप उसी की वजह से तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सो ये एक्टिविटीज तो कोर एक्टिविटी होती थी। तो एनी नॉन कोर स्मॉल मिनिस्ट्रियल एक्टिविटी is generally understood to be auxiliary activity, but Rohit sir, frankly, your question is so good because
कई सारे डिसीजन सिर्फ इस बात पे लड़े गए कि ये एक्टिविटी ऑक्सिलरी है या नहीं है. और इंडिया में तो फिर भी कम है. अगर आप यूरोप के अंदर देखेंगे तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ईसीजे तक के अंदर क्वेश्चंस गए हुए हैं. और ईसीजे का मतलब ये है कि एक देश के अंदर पहले एक कमिश्नर ने, उसके बाद एक अपलेट अथॉरिटी ने, उसके बाद एक टैक्स कोर्ट ने, जैसे हमारे ट्राइब्यूनल होते हैं टैक्स कोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद एक कोर्ट ने, और उसके बाद एक फेडरल कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया होगा. और उसके बाद भी लोग अग्री नहीं गए होंगे तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए होंगे. इतने लेवल्स तक लड़ाई करी गई है सिर्फ इन चीजों के ऊपर कि कुछ एक एक्टिविटीज जो कि एसएससी को लग रही थी वो ऑक्सिलरी है, टैक्स अथॉरिटीज कह रही थी वो ऑक्सिलरी नहीं है. सो यू आर सो राइट, दिस लाइन इज एक्चुअली वेरी ब्लर्ड. एक एक्टिविटी एक बिजनेस की ऑक्सिलरी एक्टिविटी हो सकती है, और वही एक्टिविटी को मैं अगर आउटसोर्स कर दूं टू अनदर बिजनेस तो उस दूसरे बिजनेस की वही कोर एक्टिविटी हो सकती है. और अगर हम सोचे हम अपने चारों तरफ अपने कई कोलीग्स को देखते हैं, अगर मैं कहूंगा एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसका पेरोल प्रोसेसिंग, it may appear to be a small activity and yet वो अगर आप आउटसोर्स करके एक पेरोल प्रोसेसिंग के वेंडर को ही दे दे जिसका काम ही पेरोल प्रोसेसिंग है, तो उसके लिए तो वो कोर एक्टिविटी हो गई. तो अगर एक कंपनी ने ये आर्ग्यू किया, और जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं एक्चुअल में एक यूरोपियन डिसीजन के, एक कंपनी ने ये आर्ग्यू किया कि साहब हमारा तो इतना लंबा चौड़ा काम है, उसमें पेरोल तो बहुत छोटा सा काम हुआ करता था, तो हमने उस काम को अपने यहां से निकाल के ऑस्ट्रिया के अंदर एक आउटसोर्स सेंटर को दे दिया, तो अरे मेरे भाई ऑस्ट्रिया के अंदर वो जो अब सेंटर बैठा हुआ उसके लिए तो वही कोर बिजनेस है, और इसलिए उसके लिए वो ऑक्सिलरी एक्टिविटी एग्जेम्पशन रन नहीं करेगी. ये ऑस्ट्रिया टैक्स अथॉरिटी ने आर्ग्यू किया था. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यस, वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस एंड विल डिपेंड अपॉन दी रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एक्टिविटी टू द बिजनेस ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन दैट एक्टिविटी. सो दैट इज वॉट आई हैव लिमिटेड ऑन दिस मैटर फॉर द टाइमिंग. इफ आई गेट मोर आई विल ऑफ कोर्स शेयर इट विद यू. But moving back, option. Yes, sir. I think there was somebody who was trying to ask a question. I don't see any unmuted. Anyway, so then I'll move on. I was telling you that there are two options which are provided so far in the MLI on how to address this issue of abuse of specific activity exemption. उसमें जो पहली option है, that is really the most fair option, and second option is a compromise option. तो fair option क्या है पहले वो देखते हैं. Fair option में ये लिखा गया कि बॉस आप जो भी activities को exempt कराना चाहते हैं specific activity exemption में, अब उन activities को ये तो test meet करना पड़ेगा कि वो preparatory और auxiliary character की हैं. हमने past में शायद ये condition अपनी treaty में ना लिखी हो, क्योंकि उस time पे हमें लगा था, at that time in our wisdom हमें लगा था कि हाँ यार warehousing activity लिख दी तो warehousing preparatory auxiliary ही रहेगी आगे हमेशा के लिए, तो अब मैं condition नहीं डाल रहा कि preparatory की warehousing को मैं exempt सिर्फ तभी करूंगा जब वो preparatory और auxiliary हो. लेकिन अब ये assumption over the years गलत प्रूव हुई है. इन hindsight हमें लगा कि हमें ये कंडीशन डाल देनी चाहिए थी, तो ऑप्शन ए में ये कंडीशन डाल दी गई है. तो अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं वो क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द सीटीए, जो एग्जिस्टिंग सीटीए के प्रोविजंस है उसने कह दिया उसको हम नॉटविथस्टैंड कर रहे हैं, उसकी जगह वो कुछ और लेके आ रहे हैं. द टर्म पीई शैल बी डीम्ड नॉट टू इंक्लूड, तो कहा हाँ पी से इन एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर देंगे, और ये ए बी सी तीन एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया. ए वो है जो कि सीटीए के अंदर एक्सक्लूड कर दी गई थी, उसमें कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि वो पी और ए करेक्टर की हो. क्या है एक्टिविटीज, एक्टिविटीज लिस्टेड इन सीटीए प्रायर टू एमएलआई दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज पी वेदर नॉट कंटिंजेंट अपॉन बीइंग ऑफ अ प्रिपेरेटरी और ऑब्जर्वरी करेक्टर. जो ओरिजिनल ट्रीटी के अंदर जिन एक्टिविटीज को ऐसे ही एक्सक्लूड कर दिया गया था, ये कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि वो प्रिपेरेटरी और ऑब्जर्वरी करेक्टर की हो, जैसे कि वेयर हाउसिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. बी या फिर कोई भी और एक्टिविटी जो कि पैराग्राफ ए में डिस्क्राइब अभी तक नहीं भी करी थी, यानी कि एमएलआई ने कोई चीज नहीं भी डाली थी, लाओ हम डाल देते हैं. और सी इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन, लेकिन इन तीनों के ऊपर अब कंडीशन क्या डाल दिया, वो सबसे आखिरी की दो सेंटेंस में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सच एक्टिविटी और ओवरऑल एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी चाहे वो ए में हो चाहे बी में और सी में हो, इज ऑफ अ प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी करेक्टर. ये कंडीशन इन तीनों के टॉप पे प्लेस कर दी गई जो पहले नहीं थी, और इसके थ्रू ऑप्शन ए ने एक बड़ा फेयर सिचुएशन निकाल के दिए कि ठीक है पास्ट के अंदर हमने कई सारी एक्टिविटीज को जो पैराग्राफ ए में अभी लिखा हुआ आ रहा है, कई सारी एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट कर दिया था, उस टाइम ये लिखा नहीं था, ये एग्जेम्पशन कंटिंजेंट नहीं थी इस कंडीशन के ऊपर कि वो प्रिपेरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की हो, लेकिन अब हम ये कंडीशन उस पर प्लेस कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ द लास्ट टू सेंटेंसेस ऑन दिस पेज. जो ऑप्शन टू है, दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन, और उसका कारण ये था कि जब ये डिस्कशंस
बेप्स के लिए जब जब ये डिस्कशन सारी ओईसीडी के अंदर हो रही थी और कई कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, तो कई कंट्रीज ने कहा कि बॉस दिस विल कंप्लीटली डिस्टर्ब आर अंडरस्टैंडिंग, सो वी वांट कि जो पुरानी एक्टिविटीज को आपने एक्सक्लूड किया हुआ है उनका एक्सक्लूजन फॉर द टाइमिंग तो कंटिन्यू करने दीजिए, बाद में हो सकता है हम ऑप्शन बी से ऑप्शन ए पे शिफ्ट करें, बिकॉज रिमेंबर आई टोल्ड यू कि एमएलआई अलाउज शिफ्टिंग टू अ मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑप्शन, बट अभी हमें ऑप्शन बी एक ऑप्शन दीजिए कि जो पुरानी एक्टिविटीज थी उनका एग्जेम्पशन कंटिन्यू करेगा चाहे वो पी और ए करेक्टर सेटिस्फाई करे या ना करे, हाँ कोई नई एक्टिविटीज करेंगे तो उसके लिए प्रॉमिस अगर वो पी और ए करेक्टर की होगी तभी एग्जेम्पशन मांगेंगे, नहीं तो नहीं मांगेंगे। आई थिंक श्वेता वांट्स टू स्पीक समथिंग, श्वेता कैन यू हियर मी? या श्वेता माइक सीम्स टू बी म्यूटेड, हाउएवर श्वेता इफ यू कैन हियर मी आपका माइक म्यूट है। Gaurav, in the meantime, oh sorry, Shweta, carry on, sorry. I think somebody has to unmute her mic. Administrator has to unmute her mic. Yes, Shweta, can you talk now? I'm audible now. Yes. Yeah, okay. Yeah, there was some problem in mic. Yeah, as regard the preparatory and auxiliary activities that Rohit ji raised the question. So I just wanted to add on that Action Plan 7 has given many examples in relation to that to specify that what are auxiliary activities and what would be preparatory activities. So if we will go through all those examples, the things become quite clear to understand that what would constitute auxiliary activity in one situation and may not constitute auxiliary activity in another situation. So if Gaurav can take up those examples or maybe that could be shared later on. I'll probably share them later on. Abhi option B ke flow mein chalta hun aur usko thode baad wapas take up kar lunga Shweta. But thanks, this is useful input. Thank you. Okay. Gaurav ji, before you begin, I have a question here. Please, sir. You said, having a warehouse by a retailer who's, does not have a presence in India, under the previous act also, before the MLIs, a fixed place PE was created. A foreign retailer had a... So what I'm trying to question is, what is the difference between the prior law and now law? Right. Because earlier also, a fixed place PE was being created. Sir, two things. Point number one, a lot of treaties, not all of the treaties, but a lot of treaties excluded pure warehousing, right? There were some treaties that treated warehousing as a PE activity, but even there, agar main language dekhta hun, to usme interestingly kya likha hota tha? Usme ye clause fixed place PE mein nahi hota tha. Ya fixed place PE ke andar pure warehousing, only warehousing nahi hota tha, warehousing along with a few activities hota tha. Warehousing for delivery, storage for delivery was there in a few cases in agency P. So the point that I'm trying to make is a lot of treaties are there even now. Abhi bhi kai sari treaties hai aur wo MLI se impact bhi hone ke liye razi nahi hai, jiske andar pure warehousing ko preparatory aur auxiliary mein exempt kar diya hai, na ki PE banane ke liye. Kuch ek treaties mein, haan, you're absolutely right, Mahesh sir, ki unme likha hua hai that where an agent, a dependent agent is delivering goods from its storage, then it also trigger agency P. So no, my question not here was on the dependent agent. My question was, the moment a foreign company which is does not have a significant economic presence in India takes a premises on rent for storage of goods, under the domestic laws also an automatic P is created, fixed place P is created. Manuji, I would... Yeah, Shweta, please, go ahead. Yeah, Shweta. You're not audible, Shweta. Yeah, is it okay? Yeah. Now it's better. Yeah, so in earlier situation, warehouse was included as an exception to the fixed place PE also. Even okay. If a fixed place PE would have constituted, but the list of exceptions covered the warehousing activity. So due to those exceptions, the PE, it became out of the PE scenario in fixed place PE or in agency PE as well. And the intention at that time was
the warehousing was a very minuscule activity out of the total activities of any of the foreign company. Because at the time in brick and mortar, the warehousing was not carrying so much importance, and it was not a critical or the crucial activity for generating the sales. But now when the digital economy is taking place, the warehousing has become an important and a critical activity. It is very important to have the warehousing of a digital company to deliver the goods, because and it gained much more importance than it was in the earlier models. So that is the difference why these auxiliary activities are now, the MLI is trying to cover them in the ambit of the PE. So if that makes it clear. Sure. And thanks, Shweta. Thank you. So I'm continuing with option B now. So option B is the easy compromise option. Jiske andar likha gaya ki chaliye theek hai. Jo activities A hai, jo activities पहले से ही CTA में exempt कर दी गई थी MLI आने से पहले, उनको हम अभी भी exempt रखेंगे, whether or not वो PRA criteria को satisfy करें. लेकिन हाँ, अगर कोई और activities करेंगे जो कि paragraph B में आ रही है, maintenance of fixed place of business solely for carrying on any activities not earlier covered in the CTA, not earlier covered in the MLI, उनकी exemption अब सिर्फ तभी मिलेगी जब वो preparatory और auxiliary character की हो, otherwise नहीं मिलेगी. So option B therefore, और ये question arise होता है कि या फिर option B डालने की जरूरत ही क्या थी, but option B as I mentioned is the reason for allowing option B is that some of the countries they were saying that they will not accept an SAE specific activity exemption like this. I think somebody is trying to ask a question, but again it's not, or is it just an disturbance at my end? My bad, हो सकता है मुझे गलत लग रहा हूँ. There was a bit of cracking sound. So this is the political reason, if that's the right word, or diplomatic reason for still having option two, although it's not the really best option. It's only a compromise option. The next form of abuse, जिससे permanent establishment creation को block किया जाता था, वो अब्यूज क्या है और उस अब्यूज को ब्लॉक करने की MLI ने कैसे कोशिश करी है, अब जरा ये समझते हैं. तो क्या होता था सर कि अगेन अगर हम वही प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्सेप्शन को देखें या स्पेसिफिक एक्टिविटी एक्सेप्शन के बारे में बात करें, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटा सा फ्रेगमेंट ऑफ एक्टिविटी, अगर इतनी छोटी एक्टिविटी है कि इट इज नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर ओवरऑल लार्ज बिजनेस, तो क्या करेंगे कि फिर उसको हम पी नहीं बनाएंगे. अब उसके लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको मिसयूज करने के लिए जो मल्टीनेशनल ग्रुप थे वो क्या किया करते थे, मल्टीनेशनल ग्रुप एक अपनी एक्चुअल एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डाइसेक्ट कर दिया करते थे और उन डाइसेक्टेड पार्ट्स को अलग अलग ऑफिसेज में, और कई बार ये भी जरूरी नहीं है अपने खुद के ऑफिस में, हो सकता है अपने ग्रुप कंपनी के ऑफिसेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके अलग अलग लाइजन ऑफिसेज, अपने छोटे छोटे एजेंट जो थे वो एक होस्ट कंपनी के अंदर बैठा दिया करते थे. I just wanted to confirm, is there a disturbance only at my end or can everybody hear a bit of disturbance here? Yeah, everybody is hearing that, so ignore it. Acha, okay. Otherwise, you can probably, anybody jisko aisa lag raha ho ki shayad wahan pe aisa ho raha, you can try muting your system for the timing, and jab you have to ask a question, you can unmute it, of course. I don't think it has been muted at the administrator level person. So coming back, आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, और ये इस अब्यूज को कई बार बैंक्स, फॉरेन बैंक्स किया करते हैं, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती है अब्यूज हमें इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी कई बार इंडिया में और अदरवाइज भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है. इसका एग्जांपल देखते हैं, सपोज कर लीजिए फॉरेन बैंक को लगा कि मुझे अपने जो नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन है उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो अब आपको पता चला इंडिया के अंदर उस फॉरेन बैंक की एक ग्रुप कंपनी का एक ऑफिस खुला हुआ है, और वो ऑफिस क्या करता है, somebody inquires कि बॉस आप क्या करते हो, एंड द आंसर दैट द ग्रुप कंपनी गिव्स is that we try to collect information about people's credit worthiness so that we can analyze whether, credit rating, so that we can analyze whether they need loans. So, we just collect information. We don't take action on this basis. And you think, okay, fine, chalo, theek hai, koi action nahi lete, toh leave it. Then, uske baad, dusre ek office, again, a group company, ka hi, same company, ka nahi, a group company, ka, again, aapko aapki baar ek India ke dusre city mein mila, और उस सिटी के अंदर वो जो ऑफिस खुला हुआ उससे अगर आपने पूछा कि बॉस एग्जैक्टली व्हाट डू यू डू,
We do a very small part, sir. We just call people and ask them that, do you need loans? But we don't sell them loans. In fact, we don't even negotiate it with them. If they say that, yes, we need loans, we simply pass on that information to our head office. And then head office does something with them. Head office directly perhaps reaches out to them and asks them, boss, we can give you the loans at so-and-so rate. And then, you know, probably sells them the idea of loan. एक तीसरा ऑफिस आपको इंडिया के एक तीसरे सिटी में मिला ऑफ अ थर्ड ग्रुप कंपनी ऑफ द सेम ग्रुप, उससे आपने पूछा कि सर व्हाट डू यू डू, एंड देयर आंसर इज हम कुछ नहीं किया करते हैं, एक्चुअली हमारा हेड ऑफिस हमारे को बहुत सारी लोन एप्लीकेशन भेजा करता है, हम उन लोन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग किया करते हैं, बट उस प्रोसेसिंग को करते टाइम हमारा काम तो सिर्फ यही होता है कि हम उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, बाकी हम इसके सिवा और कुछ नहीं करते. एक चौथी ग्रुप कंपनी के ऑफिस के अंदर जो इंडिया के अंदर एक और हिस्से में खुला हुआ है, उससे आपने पूछा सर आप क्या किया करते हैं, एंड द आंसर दैट ऑफिस गेव इज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ लोन एप्लीकेंट्स, उन एप्लीकेंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस की जजमेंट हम लोग किया करते हैं. सो अगर आप देखेंगे तो एक जो पूरी बिजनेस, एक पूरी बिजनेस चेन है, एक पूरी जो वैल्यू चेन है, वो वैल्यू चेन एक सिंगल कोहेसिव बिजनेस फंक्शन है, उसको आपने जबरदस्ती छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रैगमेंट कर दिया, और उन फ्रैगमेंटेड पार्ट्स को अपने ही खुद के ऑफिसेज में भी नहीं, बल्कि आपने क्या किया, बड़ी स्मार्टली अपनी ग्रुप कंपनीज के लाइजन ऑफिसेज खोल खोल के उनको पकड़ा दिया और कहा कि चलिए आप करिए. और अब अगर इंडिविजुअल इन कंपनी से पूछा जाएगा तो उनका जो जवाब होगा उसे सुन के लगेगा हाँ ये तो बहुत छोटा काम लग रहा है, तो शायद इसकी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती होगी इन दी वैल्यू चेन, इन दी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल or the profit, total profit earned by the overseas entity, and therefore leave it, probably give it an exemption under the preparatory or auxiliary call or what we call the specific activity exemption clause. Now, is artificial fragmentation ko block karna zaruri tha, aur usse block karne ke liye MLI ke article 13 mein kya drafting dali gayi, kya language dali gayi, aaiye use ek bar word by word saath saath padhte hain. Specific activity exemption shall not apply to a fixed place that is maintained by an enterprise, ya pehle enterprise hai. If that enterprise or any of its closely related enterprises, ye iski group company, carry on business activity at the same place or at any other place in the same country, and that place one or place two constitute a PE of the first enterprise of its or its group company, and the overall activity resulting from the combination. Agar maine in activity jo hai abhi fragment kar diya gaya, unhe main agar fir se combine kar dun, overall activity resulting from the combination of these activities, ye activities ko agar main jod dun, to then they are not of a preparatory and auxiliary character. Aage condition bhi di hui hai, provided that these business activities they constitute complementary functions. Complementary function है एक function जो दूसरे function को help किया करता है. पहला function जो loan की information पता कर रहा है, दूसरी loan applicants के बारे में information पता कर रहा है, तीसरा loan applicants की application को process कर रहा है, चौथा उनकी credit worthiness को assess कर रहा है, पांचवा उनसे follow up कर रहा है कि सर आपकी EMI की date आ गई है, EMI pay कर दो, छठा उन्हें phone करके कह रहा है कि do you want to seek an extension. These are all complementary functions which form part of, last sentence देखिएगा, a cohesive business operation. If these conditions are fulfilled, then even if there are multiple companies having multiple offices, multiple foreign companies having multiple local offices, each of the office may appear to be carrying on a small activity. But if you combine the activities of all these, then what emerges, what comes out is not a small activity, but instead a cohesive business operation. And all these activities carried on in bits and pieces are actually complementary function of this cohesive business operation. Tab sahab, ye specific activity exemption deny ho jayegi, aisa MLI ne apne article 13 ke through pre-deeds ke andar insert karne ki koshish kari. I see a few questions perhaps here. I'll probably stop here and check the questions. It's a very good question, sir. How is it to be detected that fragmenting P&A activities are actually carried out? In those organizations, jahan pe sir CBCR report file ho rahi hai, if the group is so large, ki uski CBCR report file ho rahi hai, to CBCR ke andar to dekhi likha hua aayega ki us group ki alag alag companies ke bhi kaun kaun se offices meri local jurisdictions ke andar hai, aur wo kya kaam kar rahe hai. Aur agar un sare kaamon ko jod ke nazar aata tha ki ye the company trend क्रिएट हो रहा है, ये तो सारा एक ही काम मिल मिला के लोगों ने आपस में आर्टिफिशियली फ्रैगमेंट कर दिया है, तो वहां पे तो डिटेक्ट हो जाएगा. बट अदरवाइज आई एग्री विद यू सर दैट जहां पे सीबीसीआर टाइप की एक ग्रुप लेवल रिपोर्ट नहीं है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग टाइप की एक ग्रुप लेवल रिपोर्ट नहीं है, वहां पे इसकी डिटेक्शन अभी तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है. अभी आप कुछ टाइम देखेंगे, MLI का एक पर्टिकुलर आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म.
आपने इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के भी देखे होंगे कि इंस्टीट्यूट में भी एक टाइप के डिस्क्लोजर नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप पे और मुझ पे, यानी ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेदर इन प्रैक्टिस वेदर इन एम्प्लॉयमेंट, हम सब पे एप्लीकेबल है कि अगर हमें लगता है कि हमारा क्लाइंट कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके अंदर, हम ये नहीं कह रहे कि वो टैक्सी चोरी कर रहा है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ऑकवर्ड सी चीज है, अजीब सी चीज है, तो हमें उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए। उसका एक बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल ओईसीडी ने वन ऑफ द एक्शन प्लान्स के अंदर कहा है कि अगर किसी टैक्स पेयर को लगता है कि उसने एक स्ट्रक्चरिंग करी है और वो कॉन्फिडेंट है कि मेरी स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल वैलिड है, मैंने कोई पी क्रिएट नहीं करी है, लेकिन अगर आप सच हैं तो सांझ को क्या आज, आप एक काम करिए, वो डिस्क्लोजर की तरीके से हमें आपको मैंडेटरीली देना पड़ेगा, ताकि आप सिर्फ इस चीज पे प्ले ना कर रहे हो कि हो सकता है होस्ट कंट्री को पता ही ना चले। इफ यू रियली बिलीव दैट योर एक्चुअल प्ले इज नॉट द होप ऑफ नॉन डिटेक्शन बट यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर पोजिशन, देन वाई डोंट यू कम फॉरवर्ड एंड शेयर दैट पोजिशन। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप ओईसीडी का एक्शन प्लान पढ़ेंगे, उसमें ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म्स सिर्फ कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पे ही नहीं है, बल्कि प्रोमोटर्स ऑफ द अरेंजमेंट इंक्लूडिंग कंसल्टेंट्स पे भी है। तो अगर ये आता है तो इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसका मतलब आप लोग जो इतने कमाल के डिवाइसेस बनाए सोचते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हाउ मच फेथ डू वी हैव इंट्रिंसिकली ऑन दोज अरेंजमेंट्स दैट वी हैव क्रिएटेड दैट दे आर एक्चुअली लेजिटिमेट, और एंड हाउ मेनी केसेस आर वी सिंपली प्लेइंग अपॉन द पॉसिबिलिटी दैट दे मे नेवर बी डिटेक्टेड एंड देयरफॉर सिंस दे विल नॉट बी डिटेक्टेड वी विल रिमेन सेफ। सो ये चीज हमें देखनी होगी। I have another thing here. There are many examples given. Achha, Shweta, this is your comment. And thanks for sharing that. Gaurav, I would just like to add one more thing here. Please. That you have very nicely explained fragmentation. And just one clarification I would like to add for the viewers. Like one may think ki preparatory and auxiliary mein bhi to hum yehi check karte hai ki wo jo activity hai wo cohesive hai ki nahi hai pure business ke liye. And in this fragmentation article 13 mein bhi hum yehi check kar rahe hai ki jo activity hai wo pure business ka complementary and cohesive part hai ki nahi hai. To article 12 aur article 13 mein kya difference hai? I don't know others logo, matlab while reading MLI I came across this question, so just wanted to clarify. कि आर्टिकल 12 जहां ऑक्सिलरी एंड प्रिपरेटरी की बात हो रही है वहां पे वो एक एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को कंबाइन करके देखते हैं, एंड व्हाइल इन फ्रेगमेंटेशन रिलेटेड पार्टीज एंड द एंटरप्राइज मींस देयर कैन बी डिफरेंट एंटरप्राइजेस, उन सब की पूरी ग्रुप एक्टिविटीज को कंबाइन करके देखते हैं। सो इन अ वे मतलब कैच ऐसे है कि ना आप एंटरप्राइजेस में ब्रेक करके अपनी एक्टिविटीज को पी से इवेड कर सकते हो, और ना एक एंटरप्राइज विद इन देमसेल्फ एक्टिविटीज को ब्रेक करके पीई से एस्केप आउट कर सकती है। एम आई राइट गौरव? नो, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड थैंक्स फॉर क्लेरिफाइंग दैट श्वेता, थैंक्स। सो आफ्टर आर्टिकल 13 लेट्स मूव टू आर्टिकल 14, अनदर काइंड ऑफ मिसयूज, एंड दिस मिसयूज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पीई फिक्शंस। व्हाट इज पीई फिक्शन? पी फिक्शन आर दोज काइंड्स ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो तब ट्रिगर होती है जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन की प्रेजेंस इंडिया में क्रॉस हो जाती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पी फिक्शन जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो अगर देखा जाए तो अरविंद स्कार की कमेंट्री के अंदर लिखा हुआ है। जो बेसिक रूल पी है वो तो सिर्फ फिक्स प्लेस पी है, मतलब ट्रेडिशनली माना जाता था कि इसके सिवा और कोई पी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग उस पी से बचने के लिए कई सारे और चीज करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम कुछ एक स्पेसिफिक टाइप्स की डीम्ड पी क्रिएट करते हैं, और इसलिए आप देखेंगे फिक्स प्लेस पी के किसी भी आर्टिकल में किसी भी कमेंट्री में कोई ड्यूरेशन नहीं दी हुई है। क्या पी फिक्स प्लेस पी 6 महीने में क्रिएट हो जाती है, साल भर में क्रिएट होती है, या जैसे कि अभी वेरी रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली, समवॉट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर्मूला 1 के डिसीजन के अंदर कि बस फिक्स प्लेस पी तो 4-6 हफ्ते की प्रेजेंस से भी क्रिएट हो जाती है। फिक्स प्लेस पी के अंदर कोई नंबर ऑफ डेज नहीं दी हुई, लेकिन कई सारी और फॉर्म्स ऑफ पी के केस के अंदर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन पी, कंस्ट्रक्शन पी के अंदर एक पीई लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, होस्ट ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ तभी क्रिएट होती है जब एक साइट, कंस्ट्रक्शन साइट कंटिन्यूज फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। अगर वो उतनी ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू करेगा तो कंस्ट्रक्शन पी क्रिएट हो जाएगी। टू गिव एन एग्जांपल, सपोज कर लीजिए यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल का एक नया फेज एड होने वाला है। उस नए फेज के एडिशन के अंदर एक फॉरेन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आकर वो काम करती है तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट रन करने में 10 महीने लगेंगे। इट विल टेक अबाउट 10 months। एज्यूम इट इज 10 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच जो उसके ऊपर फॉरेन कंपनी को काम करना है, तो 10 किलोमीटर, ईच ऑफ द किलोमीटर विल टेक
1 month. So therefore, the total period which that company will spend in India will be 10 months. And 99% treaties के अंदर 10 महीने में तो साफ construction fee create हो जाती है. तो अब वो क्योंकि 10 महीने के लिए यहाँ पे होगी, तो उसकी construction fee create हो जाएगी. तो naturally foreign company क्या सोच सकती है कि काम क्यों नहीं करते यार? मैं इस contract को दो parts में divide क्यों नहीं करा लेती हूँ? That is I will get the contract for first 3 months in one company, another 3 months in another group company, and the next 4 months in the fourth company. So effectively, मैंने हर एक contract को जानबूझ के 6 महीने की limit से कम रखा. मैं 6 महीने ये assume करके चल रहा हूँ कि उस treaty के अंदर 6 महीने में construction fee trigger होती है. अगर पर्स कर लिए 4 महीने में हो रही होती तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को शायद 4 parts में डिवाइड कर देती, ताकि हर एक पार्ट जो है वो 2.5 महीने का ही रहे. सो द पॉइंट इज, एक सिंगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जहां पे मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और वो मेनली इसलिए किया जाता है ताकि ईच ऑफ द पार्ट डज नॉट क्रॉस द कंस्ट्रक्शन पीई ड्यूरेशन, कंस्ट्रक्शन पीई थ्रेशहोल्ड प्रोवाइडेड इन द ट्रीटी. देन ऐसे में ये जो आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर भी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पीओरी एक्टिविटी के अंदर कॉम्बाइन करके देखने के लिए कहा था, यहां भी कॉम्बाइन करके देखने के लिए कहा गया है. इसमें दो छोटी सी बातें कि अगेन चाहे वो स्प्लिटिंग अप मैं खुद अपने एंटरप्राइज में करूं, या जैसे अभी श्वेता ने हाईलाइट किया कि मैं अपने क्लोजली रिलेटेड एंटरप्राइज के साथ भी स्प्लिटिंग अप करूं, दोनों केसेस के अंदर ये आर्टिकल ट्रिगर होगा. इसमें छोटी सी एक्सेप्शन दी गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इतनी छोटी ड्यूरेशन का है कि वो 30 दिन भी क्रॉस नहीं करता, तो चलो छोड़ो उसे एक्सक्लूड कर देंगे, उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है. देखा जाए तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इसका मतलब तो अब ये 10 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉरेन कंपनी ये सोचेगी कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को 29 दिन के शायद 11 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ. दैट विल ए बी अ हाई लेवल ऑफ डेस्परेशन. बी हमें लग सकता है ऐसा कि वो आर्टिकल 14 से बचा लेगा, लेकिन इसके अंदर एक तो आपका डोमेस्टिक गार ट्रिगर हो जाएगा शायद, क्योंकि इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रेंज मॉडल जो कि यूजुअली कहीं पे नहीं होता. और हमने डोमेस्टिक गार के अंदर पढ़ा है कि अगर कोई एक्टिविटी की गई है विद द प्रेडोमिनेंट पर्पस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ पेइंग टैक्स एंड इट इज डन इन एन अनयूजुअल मैनर, एक कॉन्ट्रैक्ट के 11 हिस्से करना 29 दिन के बीच, उसमें सबसे पहले तो डोमेस्टिक लॉ ही ट्रीटी को ओवरराइड कर देगा. प्लस अभी हम थोड़ी देर में ये भी देखेंगे कि ट्रीटी में भी एक चीज एज अ मिनिमम स्टैंडर्ड एड कर दी गई है, विच इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. वो भी यही चेक करेगा कि ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये आपने जो 11 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसका प्रिंसिपल पर्पस है क्या भैया? और अगर प्रिंसिपल पर्पस देख के लग रहा है कि ये तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, तो भी अगेन उस अरेंजमेंट को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा. तो लेट्स सी आर्टिकल 14 क्या कहता है इन द लैंग्वेज इन इट इन विच इट इज रिटन इन. क्वेश्चन गोपाल अग्रवाल जी पूछना चाह रहे हैं. गोपाल जी प्लीज. गोपाल अग्रवाल जी, आलोक कुमार बंसल जी, लेट अस वेट. आप प्रोसीड करें सर. बिन जी उनको आप बोलिए कि क्यूए एंड ए में डाल दें, गौरव जी अपने आप देख के उसको आंसर कर देते. ठीक है. तो आर्टिकल 14 की एग्जैक्ट लैंग्वेज एमएलआई की क्या है, क्विकली इसे देख लेते हैं. एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी आपको कर दिया. फॉर डिटरमिनिंग वेदर पीरियड्स रेफर्ड टू इन अ पीई प्रोविजन आफ्टर व्हिच अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अ स्पेसिफिक एक्टिविटी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ पी हैज बीन एक्सीडेड, क्या वो पीरियड एक्सीड हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे. वेयर एन एंटरप्राइज कैरीज ऑन एक्टिविटीज एट अ प्लेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिल्डिंग साइट एटसेट्रा एंड दीज एक्टिविटीज आर कैरीड ऑन फॉर अ ड्यूरेशन मोर देन 30 डेज. मैंने आपको बताया ना 30 दिन से छोटी छोटी एक्टिविटीज को छोड़ दिया गया. But that activity is carried on without exceeding the time limit referred to in the relevant provision. जो वो activity करी है 30 दिन से तो ज्यादा की है, लेकिन फिर भी जो overall time limit दे रखी थी construction fee के, उसे exceed नहीं कर रही है. और उसके बाद paragraph B क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में and से connected है और से connected नहीं है. Where connected activities are carried on at that site during different periods. Again, each of those period has to exceed 30 days by one or more closely related enterprise. उसी साइट के ऊपर मेरे closely related enterprise ने connected activities करी है, disconnected activity नहीं है, इसी पूरी की पूरी construction contract से connection के अंदर है. Then what should happen? These different periods shall be added to aggregate the period of time. और इस aggregated period को आप PE threshold के against test करेंगे sir to find out whether or not a construction PE is triggered. This is what Article 14 of MLI has tried to introduce. To discourage, to block the attempts of splitting up of contracts duration.
गौरव या श्वेता, इसमें एक जो थोड़ा सा चेंज है कि सुपरवाइजरी एक्टिविटीज हैज आल्सो बीन एडेड, आप थोड़ा उसको क्लेरिफाई कर देंगे कि उससे क्या चेंज आ जाएगा इन प्रीवियस सिचुएशन एंड इन न्यू सिचुएशन, बिकॉज सर्विसेज वर नॉट इंक्लूडेड अर्लियर। तो श्वेता मेरे हिसाब से एक्चुअली अगर हम OECD की कमेंट्री देखते हैं तो OECD ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं पे 1990s के एंड में जाके ऑलरेडी चेंज कर दी थी कि कंस्ट्रक्शन PE विल आल्सो इंक्लूड, ये मैं 1990s के एंड की बात कर रहा हूँ, ये तो मतलब अभी तो उसने तभी कह दिया था कि ओनली कैरिंग आउट ऑफ सुपरवाइजरी एक्टिविटी विल आल्सो ट्रिगर कंस्ट्रक्शन PE, और हमारी बहुत सारी ट्रीटीज के अंदर इंडिया के अंदर ये क्लॉज मिलता है। उसका कारण है एक्चुअली क्या हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो लार्ज कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स है इंटरनेशनली, उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रियली दो हिस्से होते हैं, एक काम तो होता है एग्जीक्यूट करना विच इज ऑफकोर्स द कोर, बट रियली स्पीकिंग एग्जीक्यूट कैसे करना वो असली IP है। तो हमें अपना पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट उठा के अपना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वहां पे साइट पे लेके जाएं, अपनी जनता लेके जाएं, उनसे कंस्ट्रक्शन कराएं, उतनी सबदर्दी की जरूरत ही नहीं है ना, हम वहां पे एक लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके कंस्ट्रक्शन उसी से करवा देंगे, लेकिन जो असली गेम है वो तो मेरी सुपरविजन में है, तो आई विल डू ओनली सुपरविजन एंड आई विल नॉट डू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी माई सेल्फ पर से, तो शायद कंस्ट्रक्शन पी क्रिएट ही ना हो। लेकिन OECD ने इस चीज को काफी पहले ब्लॉक कर दिया, उसने कहा कि वो हमें समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया, so we know that you know, so let's include pure supervisory activities for construction purposes also in the construction PE definition, and it is that extension that we see here even here, therefore even if the supervision activities are similarly split up like they are split up for construction in my earlier example, still the construction PE. And what would you recommend for consultancy services, because now consultancy services can also be included because they have specified services in MLI clause. Yes, so two things there, Shweta. Number one, तो जो हम इसके जो commentaries देख रहे हैं MLI वगैरह की, उसमें तो ज़्यादातर construction के बारे में कहा गया है, construction P के बारे में कहा गया है. So for instance, service P के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया. Service P के लिए शायद इसलिए भी नहीं लिखा because traditionally तो OECD service P में believe ही नहीं करती थी. It is basically a UN concept. And In para 1, but if we will read the para 1 of MLI, it says the project installation or carries on supervisory or consultancy services. So, consultancy activities. Right. So, does that mean ki that in Indian treaties where service PE clause is there, then if any consultancy services are also provided in relation to the project, then that will also be counted for carrying the counting the number of days, and earlier those were not counted because earlier the services were treated as under service PE, and there is a separate clause for this construction PE. So two things, if we look at the draft report jo AP7 ki aayi thi aur uske baad jo final report mein bhi uski jo tenor hai, it actually is focusing only upon construction PE, usme jo consultancy word bhi use kiya gaya, it appears in my reading in context of consultancy for construction contracts and not consultancy independent of the entire construction related background that it has given. The entire background is about construction, installation projects, etc. Having said so, in my personal view, I tend to believe that if you try to fragment these service contracts like this construction P, then again you are stepping in very hot waters, and the principle which is stated here will definitely be applied. In fact, अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको कल जनरल इलेक्ट्रिक के डिसीजन की बात कर रहा था, वो डिसीजन एक्चुअली असेसमेंट ये 2001-2 को पर्टेन करता है, और कोई पूछे 2001-2 के अंदर तो किसी ने BEPS के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था, एंड येट दिल्ली हाईकोर्ट ने जब 2019 में वो डिसीजन पास किया तो BEPS के उन प्रोविजन को इम्पोर्ट कर लिया जो एक्चुअल में अभी ट्रीटी में इनकॉर्पोरेट तक नहीं हुए हैं. What I'm trying to suppose is, now that our judiciary, our tax administration is reading all these things, it is natural and I think very fair to believe that they will apply these principles and they will not necessarily do a hair splitting exercise ki nahi dekho ye to sirf article 14 ke andar construction ke bare mein baat ki gayi hai to consultancy other than construction yani service p ke case mein trigger nahi hogi. I believe ye thoda ye bahut hi zyada hyper literal interpretation na ho jaye kahin. So means we have to take care for our clients ki in case service PE may be triggered na ho raha ho, but that may trigger the construction PE if it is related to the projects or construction activities. Can you repeat that sentence actually?
I was saying ki that we have to take care now on ki maybe service P is not will not get triggered because of the consultancy services. लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ओवरऑल देखेंगे और उन कंसल्टेंसी सर्विसेज को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के साथ क्लब करेंगे तो दैट में लीड टू कंस्ट्रक्शन पीई या पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसल्टेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड बाय दैट आई बिलीव शिवम पांडे साहब आई हैव आल्सो आंसर्ड योर क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस व्हाट अबाउट द अदर डीम्ड सर्विस पी कैन वी अरेंज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड द पी I strongly advise not to because I think that this principle should equally apply to all forms of P which are triggered by virtue of crossing a pre-specified duration under a treaty and should not be interpreted as restricted only and only to construction P. I have another question. What is the significance of form 10F in new MLI scenario? Gopal Saab, abhi form 10F which is a procedural requirement उसको डोमेस्टिक लॉ के अंदर चेंज नहीं किया गया. दूसरी चीज एक और देखने वाली चीज ये है कि फॉर्म 10F इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन एंड व्हाइल यू एंड आई आर व्हेन वी आर इशूइंग 15CB यू एंड आई आर सपोज टू रिलाई अपॉन इट बट एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल दैट वी एटलीस्ट फॉलो इन आवर ऑफिस मेरे ऑफिस के अंदर हम जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं दैट अगर मुझे कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मिल रही है जिसके स्नैपशॉट मेरी टीम को लेके अपने एक फोल्डर में स्टोर करते रहने हैं और वो इन्फॉर्मेशन इज कॉन्ट्रेरी टू वॉट इज रिटन इन अ नोपी डिक्लेरेशन और अ 10F सर्टिफिकेट देन वी विल नॉट रेकलेसली एंड ब्लाइंडली फॉलो फॉर्म 10F और अ नोपी डिक्लेरेशन एंड आई थिंक समथिंग टू दैट एक्सटेंट हैज ऑल्सो बीन सेड इन अ डिसीजन by Mumbai Tribal in the case of Delta Shoes. I don't recall the citation right now. It is, anyway, I'll not rather rely upon guesswork and I'll actually share that citation with you later on. But the point that I'm trying to make is that, yes, you are supposed to follow such declarations, self-declarations by the recipient, such as a NOPE certificate or such as a Form 10F, but you are supposed to reasonably follow them and not blindly follow them. And that is something which our institute has said so many times, even in the form of its audit practice related guidances. That follow whatever is the information given to you by your client. But if by virtue of the information available in the public domain, it is very apparent that the declaration is incorrect, then don't do that. In one of the cases that we got, our client had received a NOPE certificate from a company jisne kaha tha hamara koi P nahi hai. Aur us company ke naam ka ek P related case law abhi bhi lada ja raha hai India ke andar. It's a famous case law. And we said that boss, what is this? आपका तो केस लॉ के अंदर आया हुआ कि आपका पी और आप मुझे नो पी सर्टिफिकेट दे रहे हैं. I understand आप शायद ये कह रहे होंगे कि तब पी था लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है. But in that case, in my office at least, we are not so very brave to issue certificates on the basis of just self declaration such as no pi certificate or a form 10F certificate. When it is going contrary to what is the information in the public domain. Same will now apply even in the MLI scenario. I hope I've answered your question, Gopal sir. Yeah, Gaurav, I have a point to make, please. Please, sir. Yeah, Gaurav, on Article 14, A clause, there are two parts of it. Right. One is, I'm reading it for everybody's benefit. Right. Here, an enterprise of a contracting jurisdiction carries on activities in the other contracting jurisdiction at a place that constitutes a building site construction project, installation project, or other specific project identified in the relevant provision of the CTA, or carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place. So I want to highlight that in the first portion, it is at a place. In right. the second part of it, it is in connection with such a place. Right. My question is, like for supervisory or consultancy activities, right? This is it that there is no need to be physically there? It's a very fair observation, sir, and a very astute one. Thanks for highlighting it, first of all, because in any case, do we really feel a compelling need to be physically present on a construction site in order to provide, for instance, consultancy services? And the example for this can be designs and drawings, architectural designs. So there's a client of ours jiske designs ke basis ke upar Noida ke andar aapke koi bahut badi society hai jo Italian architecture pe based hai. Maine dekhi nahi hai, maine sirf uska contract dekha. So those designs have actually come from Italy, but the Italian architect, and it's a huge firm, very famous firm, it actually never visited Noida to find out whether that is this applicable or not. It only asked for which way is north. That was its only question.
just point us that which way is north and we'll create the rest of the designs. And they simply delivered it. So yes, sir, very astutely observed that when we are talking about services such as consultancy services, such as, you know, giving of architectural guidances and guidelines, then perhaps in any case, a physical presence on the site is not so much required. The only small thing that I would still probably mention here is that I will not go as far as saying that if those consultancy services are rendered from outside India, still that duration will be counted here, because that will completely deviate from the existing P principles and will lead us into those directions in which a lot of decisions appear to be going these days by virtue of virtual service P, ABBFZ type ke decision jo aaye hai. But as long as the consultancy services are rendered from India, in context of that site which is located in India, I think that period should definitely be concluded. But if the consultancy services are rendered from outside India, then that duration cannot be counted towards construction P, because till date, abhi tak to kam se kam construction P, fir bhi physical presence in the host country ko leke hi concept bana hua. It is completely spun around. No, I beg to differ on this. When I read this, actually, it seems to be independent. So okay, the first portion for the is that the place constitutes building site and all that. That is in respect to the duration where the physical presence is required. Right. In the I'm not referring to any existing law in this case or existing treaties in this case. I'm plainly reading this portion only. Right. So here the second part is that till the time it is in connection with such a place, it is there, and we know both are these independent. So that one portion can be the required period and the second portion can be required period, and both put together can also be a required period. Right. If it is so, so where is the need for physical presence in the second portion? I am unable to understand. We are talking about clause B, sir. Article 14, paragraph 1, clause B. Yeah. So paragraph B starts with saying, in my reading, sir, in my humble view, where connected activities are carried on in that other contracting state. Yeah. The contracting jurisdiction, uske baad usne bracket mein likha hai, at or with bracket, or where the relevant provision of the CT applies to supervisory or consultancy activities in connection with the same building site. So abhi bhi un activities ka other contracting jurisdiction mein hi carry on hona, shayad clause bhi shuruaat mein hi stipulate kar deta hai. That is my reading of that. What do you think about it, sir? No, see, I'll just skip the in bracket words, right? To ensure the flow of it. So it reads, where connected activities are carried on in that other contracting jurisdiction at the same building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the CTA during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first mentioned enterprise. Right. Not sure, actually. So I think I'll let it go. I'll just part the observation here for all of us to go back and read again in this light, and maybe next time you can further clarify to us on that. Vijay sir, I would agree with you by reading that para, that yeah, if activities are carried, services are provided from outside India also, then also this clause will get triggered. Means this on the reading of it, I also agree with this point. No, but actually, Gaurav has a valid point. Second yes. part, which is B part, that seems to be something actually talking about the even connected activities being carried. But I'm not very sure. I have to read again and again on that. So Gaurav is right. Actually, he has given a pointer which we can really visit later on. I will also be thinking hard about it, because I am also divided between these two expressions. And what I'm doing right now is for the rest of the group to follow. I don't know. Can rest of the group see the screen which is right now appearing? Or can you only see the... I got the answer. Hold on, please. I will just share this with rest of the group also, so they can see what we are talking about. Because it's a very good point. I don't want anybody else to miss it. I hope everybody can see this screen now, which is Article 14 of the MLI. Right. Yeah. Right. What Vijay Saab has highlighted is this paragraph, paragraph B. In paragraph B, please forgive me. This is my compulsive habit. I always highlight kar deta hun. So please forget the highlighting that I've done. Where connected activities are carried on in that other contracting state at bracket chhod dijiye, the same building site, construction or installation project,
or and Vijay Sahab is talking and Shweta are talking about this particular point, or other place identified in the relevant provision of the CTA during different periods of time, each exceeding 30 days. So here other place hai. Yes. Other place Hindustan mein hi honi chahiye. Hamare example ke andar agar hum Hindustan ko leke chale, ya wo home country mein bhi ho sakti hai. This is the discussion that we are having. Have I correctly explained it, Vijay Sahab? No, I think Gaurav, very rightly you have put this for display. So can you please again highlight the first portion we talked about? I can understand many maybe not initiated into that. So it will be helpful to them what we are talking about in A. If you allow me, I can just read. Please highlight at a place in the second line, at a place. Just a minute. In the second line of A, at a place. And then, in the first line also carries on activities. And then you come in the third line toward the end, or, and then on supervisory in the next line, and then consultancy, and then in connection with. Yes. So this is what, actually, in fact, I am not on the second part. I am on this part only, which I have suggested. So I observe here itself. Right. So there are two parts, friends, on this. So one is before the or, and the second is after the or. Right. So in first case, it is saying carries on activities at a place that constitutes so and so. And then or carries on supervisory or consultancy activities in connection with. So that is at a place is in connection to physical presence, and the other portion is not for the physical presence. It is not binding on a physical presence if you read plainly here. So that means you can sitting outside, provide consultancy services and still attract the permanent establishment rigors in that case. So here we are talking about this, whether both the parts are separate, or the second part, when the consultancy and services activities are being carried, even from outside, these have to be in connection with the already constituted place construction site. So no, these are separate. So this one Gaurav is confirming, these are separate, and you can have physical presence sort of P, or you can have supervisory P or consultancy P separate, each separately, or any combination of any of these. So that is one. So now we are discussing if it is possible to carry on only the consultancy activity sitting outside in connection with any site which otherwise would constitute construction P. So here we are not very sure about that, which is Gaurav is helping us on to understand. So Gaurav's first impression was no, it has to be physically from India the consultancy and services activities are carried on. And Gaurav supports his view with point B actually below, where it appears that it has to be physical present. But to me, it is not very clear from B that it has to be physical presence there. So it is left to all of you to actually read again and again this paragraph and find out whether it is necessary to have physical presence in India for the consultancy and service activities also. And thanks, Vijay Sahib, you have explained it, you know, I couldn't have done this, you know, justice. You have actually done a more fantastic job here. I just want to give a disclaimer. Presently, I still hold on to my previous view. While I am in double minds, and I'm bound to be in double mind when somebody as knowledgeable as you raises. My God, don't say so. But yet, the problem is I'm a bit of a stubborn man. I'm very sorry for that. The reason I'm in double minds is because clause A and clause B are connected with and. Number one. Clause B talks about connected activities. So what is the connection that is referred to in clause A? Yes, this part is a connection part. Carries on supervisory or consultancy activities in connected. So therefore, connected activities are supervisory or consultancy activities. But the connected activities are to be carried on in that other contracting state is what is stated in clause B. That is the literal, you know, terminology of phraseology, because of which I believe that even these activities are to be carried on in the host jurisdiction. At a fundamental or philosophy level, I think that the objective of MLI was, or at least this clause of MLI, was not to target the or tax the activities which are carried on in the home country. It was still to target only those activities
which are carried on the host country, but we were trying to avoid a peak creation by splitting up the duration. Otherwise, if we had read the entire duration in one single go of the activities carried out in India, because traditionally CTA to sirf construction peak ke andar Indian activities ke bare mein baat karta hai, home country activities ki baat nahi karta. To agar hum unko split nahi karte तो इसका मतलब उन्हीं एक्टिविटीज से पी की क्रिएशन को चेक किया जाता है जो एक्टिविटीज इंडिया में ही कैरी ऑन हुई हो. बट ये मेरा ये मेरा ऑफ द कफ जवाब है. थोड़ा सा कुछ मैं अभी कोट नहीं कर रहा जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दिया हुआ, बिकॉज अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा. बट गौरव, जस्ट वन पॉइंट इन बी, इफ यू जस्ट गो डाउन एंड देन इट सेज बाय वन और मोर एंटरप्राइजेस क्लोजली रिलेटेड टू. So I think the second part is talking about collectively. First part is very clear. It is covering both. Right. Whereas the second part is covering only the collective part. Okay. Sir, sorry to interrupt, but can you zoom in to the text? Yeah. Then you can view that. Huh? Thank you so much. So yeah, these are the views which I'm usually waiting for, and this is how that is my benefit of participating in these things. Thank you so much coming from Vijayji, Anil, and of course Shweta. You have also giving some really good thinking points. I'll think more about it. And Gaurav, I would just like to state one more thing here. If we talk pre-MLI scenario, तो तब भी क्या होता था, इफ एक्टिविटीज आर ब्रेकड अप और दे आर स्प्लिटेड लाइक वन एंटरप्राइज ब्रेक्स इन इनटू मेनी प्रोजेक्ट्स, सो एज पर द केस लॉज इट वाज सीन वेदर द एक्टिविटीज और द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. एंड ओईसीडी कमेंट्री ऑल्सो सेज दैट कि इफ प्रोजेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट देन वी विल सी देम कंबाइंडली एंड द नंबर ऑफ डेज विल बी कैलकुलेटेड. तो जो हमेशा लिटिगेशन होती थी वो ये होती थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नंबर ऑफ डेज के लिए ये इंटरकनेक्टेड और डिपेंडेंट है कि नहीं है. सो नाउ, लेकिन अगर एक एंटरप्राइज ए है और एक एंटरप्राइज बी है और कॉन्ट्रैक्ट अगर इन दोनों में स्प्लिट हुआ है तो इस चीज को क्लब नहीं किया जाता था एंड बोथ एंटरप्राइजेस आर सीन एज सेपरेटली. By this clause, I think this thing will get triggered कि जब आप two enterprises में contracts को break कर रहे हो तो now it will get covered. But the point I am trying to say is कि here the word is when the activities are connected. तो the connected word, how will you see कि connected word से कौन सी activities connected होंगी? Because pre-MLI also litigation was always कि whether the contracts are interdependent and connected to each other, and now also the same word connected has been used. So whether the litigation will remain the same कि ये connected है कि नहीं है as it was earlier, or if there any some clarification or some things will differ now on. No, that's a very very cool angle you have added there, Shweta. If we look at the Supreme Court decision in the case of Ishikwa Jima Harima Heavy Industries, industries later on, LS Cables, Fugro, and all those things, there the connection was between contracts because the EPC contract was split up into offshore and onshore elements. वहाँ पे interconnection was viewed between contracts. यहाँ पे interconnection is between activities. So I see what you're saying, and perhaps we can view one in the light of the other. But I have a suggestion. We are nearing 12:30, and I would request for some more time to study this more and probably. Gaurav, please allow me 30 seconds more on this. Actually, I read this. I read this, and I possibly have the answer here. Please, so, help me in highlighting again. Just in B part, highlight it in a different color. Add. This yes, at the first line at. At, okay, at. Yeah. And then where the bracket ends just before that, in connection with. Okay. Right. And the third is in the first line, connected activity. Yes. So now, first of all, what is this connecting activities? I think it is activity connected with the site. Right, we agree on this. Yeah. And if you see at this, the portion highlighted there is where the connectivities connected activities are carried on in other contracting state at. Right, I'll just skip the same building site, etc., etc., and all that.
So that means where it is in relation to the physical place, it is referring to excluding brackets. Right. Portion. Right. So now read the bracket one. Or where the relevant provision of the CTA applies to supervisory or consultancy activities in connection with. Right. So, in case of the, there are two types we talked about in the first paragraph, right. which is physical, and the other is in connection with. Right. So it says ki where it is physical, it is the without bracketed, right. which is connected activities in relation to the physical place. But right. where it is in connection with, which is supervisory and consultancy, wherever it is there in the treaty, it is in connection with. So my understanding of this comes out is no, there is no requirement as such okay. for the supervisory or consultancy activities to be carried at the physical place. Right. It is independent and it can be carried out from outside, but still this invites the rigors of this. Thanks for sharing this, sir. Thanks for sharing. Yeah, we can move on. Just want to check, is the PowerPoint presentation again visible? Pardon? Is the PowerPoint presentation again visible? Yeah. Presently it is showing the tax file. Yeah, you can come back. Right. Thank you. Thanks everybody. It was very stimulating. Thanks a lot. You know, you have given me some more things to look at. But moving on. We have so far discussed the part of the multilateral instrument which dealt with the abuse of the PE provisions. Now we are moving to a wholesale treaty abuse, something which we fondly call treaty shopping. So MLI also clearly saw that treaty shopping was one of the biggest evils. Why was it such a big evil? Because countries had back in past negotiated some treaties, and those treaties were probably negotiated for tax reasons. And in a few cases for non-tax reasons, you know, after all, Supreme Court in the Azadi Bachao Andolan gave a seal of approval to what's contained in the Mauritius Treaty with India, saying that probably it was for non-tax reasons and we enjoyed that treaty for so long. And now that we have got a lot of funding, FDI from Mauritius, we are now raising, you know, public interest litigation. That's what at least Supreme Court said. So, you know, now the question was at an OECD level, they said that we realize that this treaty shopping is just not stopping. All those double Dutch Irish sandwich structures, which now have been disbanded, but now have given up to a newer structures, I'm not getting into that, were all fundamentally working because of treaty networks, which were created as an exception, but now they were being abused, you know, all over the place. So therefore, with this background, Action Plan 6 of BEPS, it identified that we have to do something about treaty shopping, and particularly where tax treaties are used to result in a double non-taxation. Now, this is a very important word. Please understand, there can be a single taxation, which is always there in your case and mine. You guys are sitting in India, we are earning in India, our income is taxable in India, and that is. When there is a foreign remittance angle involved, then there can be a double taxation. It could be taxable in India, it could be taxable in the other country, which could be unfair. And in order to address that unfair situation, you know, double taxation avoidance agreements were introduced. But the objective was to avoid double taxation, not to avoid even single taxation and come as much down to a double non-taxation. Ki bhaiya, desh ke andar to kya, dusre desh mein, kisi bhi desh mein bhi income tax ho hi nahi rahi. Ye galat hai. Double non-taxation was never the intention of any treaty. And that is what OECD said, that we have to, through Action Plan 6, take it to MLI and address the issue. And this is something so very important that on this, no compromises, let's have it as a minimum standard. So look at the second bullet. It was a commitment that anybody who's signing up the MLI has to agree upon this thing at least. Baki sari cheezo pe, you may give reservations, you may opt for option A or option B. But on this thing, please, no negotiations, no fallbacks. Only one single commitment that you have to give, that you will have to agree that your treaties will not create opportunities for double non-taxation or for reduced taxation. And for this purpose, there were different approaches which were discussed. For instance, one of the approach which was discussed, that wherever any treaty is sought to being abused, we will insert something called a principal purpose test and even more advanced tests such as LOB tests. And I will take you through the meanings and how these tests have been there, have been introduced by the MLI. In fact, if we see some of our existing treaties,
they already have LOB test. India Mauritius Treaty, India Singapore Treaty, they already have limitation of benefit test, limitation of benefit, a particular benefit. Test is there. कि भाई ट्रीटी में आपको एक बेनिफिट दिया गया, मान लीजिए कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लेंगे मॉरिशस ट्रीटी के अंदर, या आधा टैक्स लेंगे, इसी तरीके से सिंगापुर में भी कहा कि हम सिर्फ आधे ही रेट से टैक्स लगाएंगे, एक बेनिफिट है, बट इस स्पेसिफिक बेनिफिट को हम लिमिट कर देंगे अगर आप एक कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, इसे तो कहते हैं लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट टेस्ट. बट प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट व्हिच इज अ मच वाइडर टेस्ट इज इफ अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्रिएटेड बाय यू हैज द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ just reducing your tax liability, then we will not accept that arrangement. Something similar, but not identical. Something similar to what is the theme of GAR in our Chapter 10A of the Income Tax Act, but of course, I will draw the distinction between the two shortly. So, first of all, let's see how to implement both things. I have told you two things. First thing is minimum standard. And the second thing is how we will take PPT and LOBs. So, for the minimum standard, Article 6 of the MLI is written. कि अब हम सारे ट्रीटीज की एक प्रियम्बल दे देंगे. एक बड़ी फिलोसफी की चीज लगती है सुनने के अंदर. अगर सोचा जाए तो कई सारे जो नेगेटिव डिसीजन आए हैं अगेंस्ट द टैक्स अथॉरिटीज एंड इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर्स इन इंडिया, उनमें कोर्ट्स ने यही कहा है कि बॉस रेवेन्यू कह तो ये रहा है कि उनकी ट्रीटीज के पीछे ये इंटेंशन थी, बट हमें कैसे इंटेंशन पता चलेगा. देखिए रामायण में तो हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के इंटेंशन दिखा दी, लेकिन अब इन ट्रीटीज के अंदर इंटेंशन देखने का कोई तरीका होना चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटेंशन देने का एक तरीका है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू में एक प्रियम्बल है, तो जब भी कोई लड़ाई होती है तो उन सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर लड़ाई होती है, तो उनकी इंटरप्रिटेशन के अंदर वी ऑलवेज गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन. की कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीजें लिखी हुई है कि हम सोशलिस्ट हैं, हम सेक्युलर हैं, हम रिपब्लिक हैं, तो हमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के लिटिगेशन को उस प्रियम्बल की लाइट के अंदर, उस प्रियम्बल की फिलोसफी के अंदर इंटरप्रेट करना है. ट्रीटी में प्रोविजन कहीं नहीं है, ट्रीटी में प्रियम्बल कहीं नहीं है. तो MLI ने कहा लीजिए साहब डाल देते, और उन्होंने ये प्रियम्बल टेक्स्ट दो पार्ट्स के अंदर, जो अभी आप पहला पार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सजेस्ट किया दैट that these double taxation avoidance agreement should state that they intend to eliminate double taxation. Zahir hai, ye to traditionally hamesha raha hi hai, with respect to taxes covered by this agreement, but without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax avoidance or evasion using treaty shoppings. Ye cheez pehle treaties ke kisi zyada preambles mein nahi hoti thi, aur ab MLI के थ्रू ये सारे ट्रीटीज के प्रियम्बल में ऐड कर दी जाएगी, बिकॉज ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है. जो भी ट्रीटी अब अग्री करेंगे दोनों के दोनों ट्रीटी पार्टनर की हाँ हम अपनी ट्रीटी को MLI से कवर होने देने के लिए तैयार हैं, वो CTA बन जाएगी, और उसमें आप बाकी किसी चीज के लिए रिजर्वेशन दे दें, मना कर दें, ऑप्शन दे दें, लेकिन इसके लिए तो आपको अग्री करना पड़ेगा कि सभी ट्रीटीज के प्रियम्बल में अब ये थियरी, ये एक फिलोसफी, ये एक बैकग्राउंड, ये एक इंटेंशन ऐड हो जाएगा कि बॉस treaties are there to avoid, to eliminate double taxation, but iska matlab ye nahi hai that the treaties are there to create opportunities for double non-taxation. Aisa nahi hona chahiye ki India mein tax lagega nahi, kyunki iske humne ye keh diya ki ye income to sirf resident states mein taxable hai, aur resident state keh rahe hai ki hume tax lena nahi, jo Mauritius ki asli kahani thi. एक और चीज भी उन्होंने ऑप्शनली डाली और इसमें कोई बुराई भी नहीं है. ये चीज हमारे सेक्शन 90 में ऑलरेडी नजर भी आता है कि प्रियम्बल में हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई मराई नहीं है, दैट द अदर इंटेंशन इज अ डिजायर टू फर्दर डेवलप इकोनॉमिक रिलेशंस एंड एनहांस कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर्स. इसका भी एक जगह पे रेलेवेंस है, बट इट इज मोर ऑफ अ फिलोसफी जो अभी इमीडिएटली शायद मेरे 15 CB वाले टारगेट को टारगेट नहीं करती, तो मैं उसमें अभी ज्यादा डीप डाइव नहीं कर रहा. एंड आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम आर्टिकल 6 टू आर्टिकल 7. पहली कॉन्ट्रोवर्सी प्रियम्बल की थी और दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी पीपीटी प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के थ्रू एड्रेस की जा रही है. आई नाउ टेक यू थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. व्हाट इज प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट? एक्शन प्लान 6 के अंदर बेप्स ने कहा कि बॉस अगर एक कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्रिएट किया जा रहा है, देखिए अरेंजमेंट वर्ड कितना खूबसूरत वर्ड है, अगर हम सोच के देखें तो इनकम टैक्स एक्ट के गार के प्रोविजंस में भी जो वर्ड यूज किया गया वो अरेंजमेंट किया गया. जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशंस के अंदर भी जिस चीज को टारगेट किया जा रहा है उसको शॉर्ट में बोलते हैं IAA, impermissible avoidance arrangement. उसमें ट्रांजेक्शन वर्ड को यूज नहीं किया गया. ट्रांजेक्शन इज अ स्पेसिफिकली नैरोअर वर्ड. कई जगह पे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन है ही कहां. जो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर AMP कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग प्रमोशन कॉन्ट्रोवर्सी, उसकी आधी जान तो इसी चीज पे है कि टैक्स पेयर्स आर्ग्यू कर रहे हैं देयर इज नो ट्रांजेक्शन. इसीलिए ट्रांजैक्शन जैसे नैरो वर्ड को यूज करने की जगह गार के प्रोविजंस में और यहां पे भी पीपीटी में भी
एक ब्रॉडर शब्द का प्रयोग किया गया अरेंजमेंट, कि जहां पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का प्रयोग किया जा रहा है वो अरेंजमेंट का प्रिंसिपल पर्पस नहीं, नहीं वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस। और यहां पे भी एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करूंगा, प्रिंसिपल पर्पस इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड इन गार, बट इन पीपीटी द टर्म व्हिच इज यूज्ड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पसेस। जहां पे एक अरेंजमेंट का वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस इज बेनिफिटिंग फ्रॉम अ टैक्स ट्रीटी इन अ मैनर व्हिच वाज अनइंटेंडेड, देन दिस बेनिफिट विल नॉट बी अलाउड। And mind you, unlike LOB, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए बात करता है, जैसे कि सिंगापुर ट्रीटी का LOB, मॉरिशस ट्रीटी का LOB सिर्फ कैपिटल गेन की बेनिफिट की बात कर रहा है, PPT पूरे ट्रीटी के बारे में बात कर रहा है। यानी किसी भी ट्रीटी का कोई भी क्लॉज का अगर आप बेनिफिट उठाने की सोच रहे हैं जो उस ट्रीटी में इंटेंडेड तो नहीं था, तो MLI के आ जाने के बाद आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इट इज अ वेरी बिग, वेरी ओनरस, यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन अस प्रोफेशनल शोल्डर्स। एक बड़ा अच्छा सवाल पैदा होता है कि अब मैं 15CB के अंदर PPT को लगा के एग्जामिन करूंगा या नहीं, और अगर करने की मुझसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है तो ये मैं अप्लाई करूंगा कैसे, क्योंकि मुझे इंटेंशंस कहां से पता चलेंगी, और गिवन द एग्जिस्टिंग फीस फॉर 15CB ये मैं करूंगा कैसे। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि अगर बॉस एक डिटेल्ड ओपिनियन दे रहे होते तो शायद मैं इसका एग्जामिनेशन करूं। द प्रॉब्लम दैट आई फील इज ओपिनियन तो सिर्फ सर साहब एक साइन करके या शायद अनसाइंड भी आप अपने लेटर हेड पे अपने क्लाइंट को दे देते हैं, टैक्स अथॉरिटी के पास नहीं जाते। लेकिन सर वो जो 15CB जैसा फॉर्म जो हम कई बार थोड़ा लोग लाइटली ले लिया करते हैं, उसके ऊपर तो आप अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही नहीं लगाते सिर्फ, बल्कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे अपलोड कर देते हैं। इट इज परहैप्स समथिंग मच मोर हेवियर इन टर्म्स ऑफ बर्डन than an opinion, so you'll have to be a lot more careful on how to shoulder this additional burden when you're receiving a 15CB. But back to the technical discussion from this one, Article 7. Gopal ji, I think Gopal ji wants to some question. Gopal ji, puchiye kya aapka question kya hai? Gopal ji, aap meri awaaz sun rahe hain? I think please carry on. He will come. Yes, he has come. Acha, please. Boliye Gopal ji. Rohit ji, Q&A mein dalne dijiye. Wo better. Otherwise, aise bahut delay ho jata. Request all to put the questions in Q&A, and we will be taking up by reading the questions. Sir, okay. And while we are at it, a question already यहाँ पे है मेरे पास कि past में tax laws को use करके हमने बहुत investment attract करी, we have attracted a lot of investment और उसके भी फायदे हो रहे हैं। All said and done, India की सबसे ज्यादा FDI कहाँ से आई है? America से आई होगी maybe, लेकिन अगर हम actual में jurisdictions देखते हैं तो traditionally वो country जहाँ जो सिर्फ एक चीज के लिए जानी जाती थी, honeymoon destination, वहां से आपकी सबसे ज्यादा FDI है। तो क्या कारण है? It is definitely the treaty, no doubt about it. And now, are we going back upon it? And perhaps a shameless answer to that is yes, it is yes. And the reason is, जिस समय हमें जरूरत थी, उस टाइम पे हमने out of perhaps our desperation, ऐसी treaties sign करी, जिनमें हम एक ऐसी benefit pass on कर रहे थे, जो शायद एक undue advantage थी बहुत सारे टैक्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए। लेकिन आज जब हम और मैच्योर हो गए हैं और थोड़े फ्लश भी कर गए, तो अब हमें लगता है वो अंडियो एडवांटेज का काफी टाइम तक नजायज फायदा उठा लिया, एंड पास्ट के अंदर जो हुआ हुआ, लेकिन अब हमें से रुकना पड़ेगा। ऑल्सो कंट्री स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बॉस ये तो देश आपस में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्पीट करने की जगह टैक्स रेट्स के ऊपर कॉम्पीट कर रहे हैं, और उसके लिए इन ट्रीटीज को मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब एक इंटरनेशनल टैक्स कॉम्पिटिशन शुरू हो गया तो हमें अपने पास्ट के एक्शंस की शायद फॉली कहीं पे रियलाइज हुई, सिर्फ हमें ही नहीं सारी कंट्रीज को। और अब हमें लगा कि हमें उन पुराने क्रिएटेड लूप होल्स को, जो शायद इंटेंशनली भी क्रिएट हुए हो, अब उन्हें हमें ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसा मैंने और अपने सीनियर से और एक्सपर्ट्स से उनके व्यूज सुने हैं, एंड आई एम ओनली वॉइसिंग व्हाट दे थिंक अबाउट इट। I have a few Q&A here. In clause A, whether the word etc. shall be deemed to include assembly. Sir, actually, वो etc. मैंने type किया. That's perhaps not there in the article. Is there a monetary limit of tax benefit for invoking PPT? Very good question. And the question has been asked by a gentleman whose name is 1+5.
I'm very sorry, aapne apna naam nahi likha, aapka jo likha hua aa raha hai, I'll call you by OnePlus 5. So Mr. OnePlus 5, it's a very good question. GAR mein there is a monetary limit, but PPT mein, interestingly, there is no monetary limit. And we will draw more comparisons between GAR and PPT a few slides down the line. But I hope so far I have at least partially answered that question of yours, Mr. OnePlus 5. But coming back, Article 7.1, PPT ke liye kya language use karta hai? Let's read that. Notwithstanding any provisions of a CTA, a benefit under the CTA shall not be granted. Dekhiye, starting ki opening line ke andar kitna badhiya chauka mara hai. Shuru mein notwithstanding CTA kar diya ki bhai CTA mein jo likha hai, we are notwithstanding everything. We will not grant you a CTA benefit in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all the relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit, that treaty benefit, was one of the principal purposes of that arrangement that resulted directly or indirectly into that benefit. Agar aapne ek particular arrangement kiya, us arrangement ka sirf akela principal purpose nahi, jo ki GAR ka test hai, but one of the principal purpose, jo ki purane GAR mein test hua karta tha, one of the principal purpose of that arrangement is obtaining a tax benefit. Agar aisa reasonably conclude kiya ja sakta hai, to aise mein wo benefit sir aapko nahi milega. Aur iski ek exception de di gayi hai, aur wo exception ye hai ki unless it is established that the granting of that benefit in those circumstances was in accordance with the object and purpose of the relevant provision of the CTA. Now, ye exception jo hai, is exception ko kafi zyada argue kiya ja sakta hai. Hum har ek clause ke liye shayad ye keh sakte hain ki is clause ka to object and purpose yahi tha, but wo object and purpose bhi again sawal to ye nikal ke aayega, wo aap interpret karenge kahan se, aur wo interpret karne ke liye aapko intention jani hogi, aur sir intention to remember maine abhi aapko bataya, preamble mein dal di gayi hai aur usme likh diya gaya double non taxation kahin bhi object and purpose nahi hai. To agar kisi bhi clause ka aapke hisab se object and purpose aisa nikal ke aa raha hai ki double non taxation allowed hai, to sir wo already preamble ne us interpretation ko block kafi had tak kar diya. So, अब पीपीटी अप्लाई कैसे करेगा? सबसे पहली चीज तो पीपीटी अब सारे सीटीएस में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज पीपीटी भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड है. जिन लोगों ने एमएलआई साइन ही नहीं करी, जैसे यूएस, या जिन लोगों ने एमएलआई में इंडिया को ऑप्ट ही नहीं किया, जैसे कि मॉरिशस, जैसे कि स्विट्जरलैंड, उन केसेस के अंदर अभी भी पीपीटी टेस्ट ऑफ एमएलआई ऑटो इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, एंड देयरफॉर उनके केस में अभी भी गार ही शायद डोमेस्टिक लॉ के अंदर ट्रीटीज को ओवररूल करने के लिए यूज किए जाएंगे. बट अदरवाइज बाकी सारी पीपीटी जहां पे एमएलआई दोनों तरफ से मैच हो गए हैं, वहां पे अब पीपीटी विल बी एडेड टू द सीटीएस, जैसे कि ऑल द ट्रीटीज दैट वी वर लुकिंग इन द ओपनिंग स्लाइड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, एटसेट्रा एटसेट्रा. जहां पे एग्जिस्टिंग पीपीटी के अंदर कुछ जहां पे एग्जिस्टिंग ट्रीटी में एक पीपीटी क्लॉज है, ऑलरेडी है कई सारे ट्रीटीज में, माइंड यू अगर आप देखेंगे मॉरिशस ट्रीटी में भी एक पीपीटी क्लॉज है, लेकिन वो क्लॉज सिर्फ कैपिटल गेन के बेनिफिट्स के लिए, स्पेसिफिक आर्टिकल्स के लिए. तो अब अगर मॉरिशस इंडिया के साथ सीटीए अग्री करने के लिए तैयार हो जाती, तो जो जो एमएलआई का पीपीटी है वो एक लिमिटेड पीपीटी ऑफ मॉरिशस ट्रीटी को ओवररूल करके एक जनरल पीपीटी के तरीके से आ रहा था. मेरा मतलब ये है कि अगर किसी ट्रीटी के अंदर एग्जिस्टिंग एक पीपीटी क्लॉज है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइप की इनकम से पर्टेन करता है, लेकिन उस ट्रीटी के अंदर अब सीटीए ट्रिगर हो गया है, एमएलआई अप्लाई हो गया है, तो अब वो पीपीटी सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइप की इनकम के लिए कंफाइन नहीं होगा, बल्कि वो सारी टैक्स बेनिफिट्स जो उस पूरी ट्रीटी में आ रही है सबके लिए अप्लाई करेगा. अगर किसी ट्रीटी में एग्जिस्टिंग पीपीटी क्लॉज में मेन पर्पस टेस्ट दे रखा है, वन ऑफ द मेन पर्पस टेस्ट नहीं दे रखे हैं, तो वो भी डिलीट होकर उसकी जगह भी अब वन ऑफ द मेन पर्पस आ जाएगा. अगर किसी पीपीटी में कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट दे रखी है कि बॉस पीपीटी एक्टिवेट करने से पहले एक नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी, या दोनों देशों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को आपस में कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, कुछ एक ट्रीटीज में ऐसी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, तो अब वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी डिलीट हो जाएंगी अगर दैट ट्रीटी हैज बीन ओवररिडन बाय द एमएलआई, एंड नाउ द पीपीटी क्लॉज ऑफ द एमएलआई कैन बी इंप्लीमेंटेड विदाउट एनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज अभी तक कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स किसी भी इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर, किसी भी प्रोविजंस के अंदर या किसी भी आर्टिकल के अंदर नोटिफाई नहीं हुई है. इसमें डिस्क्रिशनरी रिलीफ का प्रोविजन तो है, और वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ वैसे तो एक देश को अलाउ करता है कि अगर उस देश की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि यार ये तो पीपीटी की वजह से गड़बड़ हो गई, बिकॉज हम ये बेनिफिट अदरवाइज देने के लिए तैयार थे, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अभी भी चाहे तो डिस्क्रिशनरी रिलीफ दे तो सकती है.
लेकिन अगर इस डिस्क्रिशनरी रिलीफ को इतना ज्यादा अब्यूज करना शुरू हो गया कि पीपीटी इफेक्टिवली यू नो कोलैप्स ही कर जाएगा या एक सिर्फ कागज पे आर्टिकल रह जाएगा, तो इस कंसर्न्स के चलते कई देशों ने डिस्क्रिशनरी रिलीफ को ऑप्ट नहीं किया. इंडिया इज वन ऑफ देम. सो इंडिया टुक अ स्ट्रांग पोजीशन. दे सेड पीपीटी है तो है, हम अपने आप को कोई डिस्क्रिशन नहीं दे रहे कि हमारा मन करेगा तो हम पीपीटी की एक्सेप्शन क्रिएट करके अपनी लोकल इंडियन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसीजन के बेसिस के ऊपर अभी भी ट्रीटी रिलीफ दे देंगे, जहां पे प्रिंसिपल पर्पस सिर्फ इस ट्रीटी के बेनिफिट उठाने का था वहां भी. तो इंडिया ने ये ऑप्ट इन नहीं किया. एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी ही फेयरनेस को दिखाती हुई एक हायर मॉरल रॉन्ग लिया है इंडिया ने. दूसरा ये भी है कि इंडिया को मजा आएगा कि टैक्स ज्यादा मिलेगा ही, तो कभी कभी मॉरल ग्राउंड हायर लेने से टैक्स का भी कलेक्शन बढ़ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट एज अगेंस्ट अ ट्रांजैक्शन इज समथिंग व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन द ओईसीडी कमेंट्री. यू कैन गो थ्रू इट, आई एम नॉट टेकिंग यू थ्रू इट, बट द रीजन व्हाई आई हैव रिप्रोड्यूस्ड दिस कमेंट्री हियर इज सो दैट यू कैन रियलाइज दैट अरेंजमेंट इज सच अ ब्रॉड एक्सप्रेशन. समटाइम्स यू मे से कि मैंने अपनी अपनी ग्रुप कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है, तो ट्रांजेक्शन ना करना भी एक अरेंजमेंट हो सकता है. एंड यू कैन गो थ्रू इट एट योर कन्वीनियंस, एट योर लेजर लेटर ऑन. वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड कि इसकी थ्रेशहोल्ड काफी कम है. अकेला पर्पज नहीं, एक भी पर्पज अगर वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पज भी अगर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है तो भी ये ट्रिगर हो जाता है. एक्चुअल में तो जो एक्शन प्लान था बेप्स का, उसमें ये लिखा हुआ था कि कंट्रीज को तीन में से कोई एक ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, या तो पीपीटी अपने ट्रीटीज के अंदर डाल दे, या पीपीटी के साथ में सिंप्लीफाइड एलओबी सिंप्लीफाइड लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डाल दे, या एक डिटेल्ड लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट डाल दे. अब सच बात तो ये कि बड़ी बड़ी बातें करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल में इसे इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो पूरी दुनिया में सिर्फ आज तक 14 देश ऐसे हैं, देयर आर ओनली 14 कंट्रीज जो पीपीटी से उठ के पीपीटी विद सिंप्लीफाइड लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, जिसे शॉर्ट में स्लॉप बोलते हैं, उन्होंने उसके लिए ऑप्ट किया. डिटेल एलओबी तो आप छोड़ ही दीजिए, मात्र 14 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ पीपीटी नहीं, पीपीटी के साथ स्लॉप लगाएंगे. इंडिया माइंड यू इज वन ऑफ देम, बट उसका कोई खास फायदा नहीं है बिकॉज और देशों ने जो हमारे ज्यादातर ट्रीटी पार्टनर्स हैं वो स्लॉप के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं. पूरी दुनिया में 14 देशों ने स्लॉप के लिए ऑप्ट किया, लेकिन उनमें से कई सारे हमारे ट्रीटी पार्टनर्स नहीं भी हैं, और इसीलिए हमारी ज्यादातर ट्रीटीज जो भी एमएलआई से इंपैक्ट होंगी उन पर लगेगा अभी भी सिर्फ पीपीटी, पीपीटी विद स्लॉब नहीं लगेगा. तो मैं अभी राइट नाउ इमीडिएट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए स्लॉब ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, सो आई एम नॉट ड्वेलिंग अपॉन इट बिकॉज उसकी रियल एप्लीकेशन इमीडिएटली नहीं आएगी. ध्यान देने वाली कुछ एक चीजें, पीपीटी कैन बी इन्वोक्ड बाय द रेजिडेंट स्टेट ऑल्सो, ऐसा नहीं है सिर्फ सोर्स स्टेट लगाएगी. इसमें कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. रिमेंबर आई टोल्ड यू if it is reasonable to conclude, if reasonable evidence is enough, conclusive evidence is not enough. Therefore, all the arguments that we apply, for instance, in 147, that there should be a reason to believe based upon an evidence in the position of the assessing officer. That's the language which comes out of the traditional decisions such as Raymond's, etc., Sun Engineering, and has been accepted over and over by courts, both Supreme and Delhi High Court. But those kind of thresholds are not there for application of PPT. Conclusive evidence ki jagah reasonable belief is sufficient for triggering PPT. It can be about question of fact, it can be about question of law either. And iski wajah se ek outright denial ho jayega. Ek ajeeb situation bhi arise ho sakti hai. Aur wo ajeeb situation kya hai? First kar lijiye, aapne ek particular arrangement kiya. Agar aapne wo arrangement na kiya ho, to main aapko ek bada imaginary sa example de raha hu. एक पर्टिकुलर पेमेंट जो इंडिया से मुझे एक दूसरी कंट्री को करनी थी, एज्यूम कर लीजिए उस पर टैक्स रेट वैसे तो लगता है 15% का, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट किया जिसकी वजह से मैं 5% के टैक्स ब्रैकेट में जा पा रहा हूँ. आप चाहें तो अपने दिमाग में वापस डाउनलोड कर सकते हैं सर्बिया इंडिया ट्रीटी का एग्जाम्पल जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. तो अदरवाइज आपका डिविडेंड शायद 15% पे टैक्स होता, लेकिन अब क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट किया तो आप 5% के ब्रैकेट में जा रहे हैं. लेकिन अगर आपने वो अरेंजमेंट सिर्फ इस टैक्स बेनिफिट के लिए किया तो पीपीटी के चलते क्या होगा, आपकी वो पूरा ट्रीटी बेनिफिट डिनाय हो जाएगा. अब अगर वो पूरा ट्रीटी बेनिफिट डिनाय हो जाएगा तो आप डोमेस्टिक लॉ के अंदर 20% पर टैक्सेबल हो रहे होंगे, विच मींस वो हिंदी के अंदर एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बने दुबे जी बनके लौटे. आपका 20% का टैक्स अच्छा खासा 15% के ऊपर आ रहा था, पर आपने लालच के अंदर सोचा कि 5% पे चला जाता हूं, और हुआ ये कि 5% भी नहीं मिला 15% भी नहीं मिला, आके पड़ गए वापस 20% के ऊपर. So you were eligible for something which was 15% tax rate, but now you, because you are getting over smart, will now have to settle for a 20% tax rate. Is Hindi ki itni badiya kahawat ko bade fancy terms ke andar OECD ne cliff effect bola hai ki
क्लिफ इफेक्ट का मतलब ये है कि आपको जो बेनिफिट मिलना था वो भी नहीं मिला, बल्कि आप एक हायर क्लिफ के ऊपर पहुंच गए. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल आउटकम ऑफ बींग ओवर स्मार्ट एंड ट्राइंग टू अप्लाई an arrangement to avoid paying as much tax as it is due. इंडिया की पोजीशन आई ऑलरेडी मेंशन, वैसे तो हमने पीपीटी विद स्लॉब ऑप्ट किया, लेकिन दुनिया में सिर्फ 14 देशों ने ऑप्ट किया और इंडिया के ट्रीटी पार्टनर ज्यादा में से कोई भी नहीं है. इंटरेस्टिंगली आपको एक बड़ी कल एक सवाल आपने पूछा तो उसका एक एक्सेप्शन बता रहा हूं. वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा दोनों देश अगर सेम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तभी एक क्लॉज एमएलआई में के थ्रू सीटीए में इनकॉर्पोरेट होता है. इस क्लॉज को लेकर एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है. ओईसीडी ने बड़ी मजेदार चीज करी थी. ओईसीडी ने कहा था यार ऐसा हो सकता है कि एक देश कहे हम तो स्लॉब ऑप्ट करेंगे और दूसरा देश कहे बाबा हम तो सिर्फ नॉर्मल पीपीटी ऑप्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे मैचिंग नहीं हुई, इसकी वजह से कोलैप्स कर गया और ना पीपीटी लगा ना स्लॉब लगा. तो ये तो देखा जाए तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी. तो ऐसा ना हो इसके लिए एमएलआई के अंदर एक ऑप्शन है कि ये वन ऑफ दोज वेरी फ्यू प्लेसेस है जहां पे कंट्रीज अगर खुद चाहे और वो खुद मान जाए तो वो लिख सकती हैं अपनी एमएलआई पोजीशन में कि हम इसका सिमेट्रिक एप्लीकेशन के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहे, एसिमेट्रिक एप्लीकेशन के लिए भी तैयार है. सिमेट्रिक एप्लीकेशन मतलब अगर हमने भी यही कहा और उसने भी यही कहा तभी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा. एसिमेट्रिक ऑप्शन का मतलब ये कि अगर मैंने पीपीटी कहा और सामने वाले ने स्लॉब कह दिया तो जिस देश ने पीपीटी कहा वो इस बात की इज्जत करेगा कि देखिए सामने वाले देश ने एक हायर मॉरल ग्राउंड लिया है, तो वो या तो ये ऑप्ट कर सकता है कि इन दैट केस अलोन मेरे पे भी अब स्लॉब एप्लीकेबल होगा. ये बिल्कुल जिसे कहते हैं क्षत्रिय वाला पोजीशन है. आई एम नॉट गेटिंग टू कास्ट डिस्कशन हियर, यू नो आई सेड आई एम वेरी बैड इन पॉलिटिक्स, बट द पॉइंट इज एक इंसान कह रहा है कि हाँ वैसे तो मैं पीपीटी कहने के लिए तैयार था, बट अगर सामने वाले देश में इतना दम है कि वो स्लॉब लगाने के लिए तैयार है तो ठीक है बॉस मैं भी स्लॉब लगाने के लिए तैयार हूँ. ये एक ऑप्शन. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कहें चलो कोई बात नहीं मैं एसिमेट्रिक एप्लीकेशन के लिए तैयार हूं, दैट इज मैंने पीपीटी कहा दूसरे देश ने स्लॉब कहा, तो ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा तो देखो मिसमैच हो गया कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि मैं अपने देश में पीपीटी लगाऊंगा लेकिन अगर दूसरा देश अपने देश में स्लॉब लगाना चाहता है तो लगाए. आफ्टर ऑल द अदर कंट्री इज ओनली एक्सेप्टिंग अ हायर थ्रेशोल्ड, सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट. तो ये भी ऑप्शन एमएलआई के अंदर अवेलेबल है जहां पे ये वन ऑफ दोज वेरी फ्यू प्लेसेस है जहां पे एग्जैक्ट मैचिंग नहीं हो रही एंड येट इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ कोलैप्स, इट इज एंड स्टिल लिव ऑन. बट ऑल दिस थियरी इज वेरी इंटरेस्टिंग टू साउंड टू हियर, बट रियली नो मच नॉट मच एप्लीकेशन बिकॉज एज आई सेड हार्डली एनी कंट्री इज ऑप्टेड फॉर the high threshold of slob, and even out of those countries, a lot of them are not Indian treaty partners. As I mentioned earlier, India has anyway not opted for the discretionary relief. Yeah, Gaurav, please help us understand how slob is a higher threshold and what exactly is slob? Okay. So, slob ka ek aapko example deta hun, sir, jo again MLI ke andar hi diya hua. MLI ke andar likha ki agar aapko koi particular पर्सन को ट्रीटी रिलीफ देना है तो वो पर्सन सिर्फ उस दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि अदरवाइज तो हमने हमेशा ये देखा है अ ट्रीटी अप्लाइज इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री एंड दैट इज सफिशिएंट, राइट. लेकिन स्लॉब के अंदर इसके ऊपर एक हायर थ्रेशोल्ड प्लेस किया कि आप सिर्फ एक दूसरे देश के रेजिडेंट है वो तो बड़ी आसानी से अचीव हो सकता है. कैसे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग एन एंटिटी ओवर देयर. लेकिन हम सही मायनों में आप ट्रीटी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, ये सब तभी मानेंगे जब या तो आप सच में वहां पे बैठ के एक्टिवली बिजनेस कर रहे हैं, तब तो चलो हमने मान लिया. बट अगर आपका एक्टिव बिजनेस नहीं है, इफ यू आर जस्ट अ पैसिव एंटिटी, जो ट्रीटी शॉपिंग में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है, तब हम आपको एक पर्टिकुलर बेनिफिट सिर्फ तब देंगे जब अ लार्ज पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट कुड बी थ्रू चेन, इंडिविजुअल्स हु आर रेसिडेंट ऑफ द सेम कंट्री. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एज्यूम हाइपोथेटिकली अगर मैं और जापान, इंडिया और जापान, एक पर्टिकुलर ट्रीटी का बेनिफिट, इंडिया जापान ट्रीटी का बेनिफिट एक जापानीज कंपनी को देने के लिए तैयार हो रहे हैं, हमारा मन बन रहा है कि हाँ भाई जापानीज कंपनी को ट्रीटी बेनिफिट देते हैं, या जापान की जगह यूएस का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और यूएस ट्रीटी के अंदर मुझे लगता है कि मैं यूएस ट्रीटी के मेक अवेलेबल क्लॉज का बेनिफिट लगाते हुए मैं इंडिया में एक एफटीएस को टैक्स नहीं लगाऊंगा बिकॉज द कंपनी विच इज रिसीविंग इट, इट इज अ यूएस कंपनी. तो सबसे पहला सवाल यह पैदा होगा कि क्या वो यूएस कंपनी एक्टिव बिजनेस कर रही है, और अगर वो एक्टिव बिजनेस नहीं कर रही है तो भी क्या मैं उसे बेनिफिट दूं? तो मुझे ये चेक करना होगा कि यूएस कंपनी के जो अल्टीमेट शेयर होल्डर्स है, अल्टीमेट यानी इट कैन बी अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग, क्या वो भी यूएस के रेसिडेंट्स या यूएस के सिटीजन हैं? और अगर नहीं है, दैट इज अगर वो यूएस के अंदर एक्टिव एंटिटी नहीं है,
यूएस की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, कुछ एक और स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंटिटीज जिनमें मैं नहीं जा रहा हूँ, सम काइंड्स ऑफ ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स उनमें मैं नहीं जा रहा हूँ, और इट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्ड बाय सम पीपल सिटिंग आउटसाइड यूएस, दे आर नॉट यूएस रेजिडेंट्स, दे आर जस्ट यूजिंग द यूएस ट्रीटी फॉर गेनिंग दिस एडवांटेज, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट एट ऑल. दिस इज a higher threshold which is called a limitation of benefit clause. And mind you, the reason why I opted for the US treaty is because while US has not agreed to sign the MLI with you, what a lot of people here, you know, a lot of people I know otherwise don't realize is that this clause is already present in India-US treaty. So, जब भी हम इंडिया यूएस ट्रीटी के ऊपर आराम से एडवाइस दे रहे होते हैं ये सोच के कि मैं ये जब एडवाइस दे रहा हूँ कि ये यूएस रेसिडेंट को मेक अवेलेबल का मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, या यूएस रेसिडेंट के केस के अंदर सॉफ्टवेयर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज ट्रीटी में तो ये पोजीशन अभी तक नहीं आई है, सिर्फ डोमेस्टिक लॉ में ये पोजीशन आई है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज राइट नाउ पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द लॉकडाउन इट वाज स्टिल पेंडिंग. तो मैं जब ट्रीटी बेनिफिट दे रहा हूँ तो क्या मैं इस चीज को कभी चेक किया करता हूँ कि ये ट्रीटी उस यूएस कंपनी पे एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या वो यूएस में लिस्टेड है, it is an unlisted company maybe, kya wo wahan pe ek active entity hai, how do you know it is an active entity, it may be a passive entity, or is it owned directly or indirectly by individuals who are us residents or citizens. aapne kabhi check kiya hai ki jis company ko aap advice de rahe ho uska ownership structure kya hai, we never do that, but that is a limitation benefit threshold which is a higher threshold, and that threshold is something which was suggested by mli also in its slob provision, but obviously as you can see it's a tough threshold and it has therefore not been accepted by most of the countries. I hope I have been yes Vijay sir. Yeah, slob understood, but how it is a higher threshold in the sense, but don't you think the PPT is more general, and even if something is not covered in the format, right, but actually in substance it is covered, right, so PPT will have the wherewithal to cover that, right. PPT plus slob is the second option. Slob in isolation is not an option. Yeah. Okay. PPT plus slob will always be greater than just PPT. So the option which three you have listed. So yes, one is only PPT, and right, the second is PPT with a slob. Yes. And the third one, detailed LOB. Right. So please, if you can slightly tell about LOB also, how different from SLOB. Detailed LOB is not explained in so much detail, sir, for two reasons. जब डिस्कशन हो रही थी तब भी OECD को दिख गया था कि डिटेल्ड एलओबी तक तो कोई पहुंचेगा नहीं, और दूसरा OECD ने ये चीज काफी हद तक कंट्रीज पे छोड़ दी थी कि वो डिटेल्ड एलओबी अपने हिसाब से फैशन कर सकते हैं. सो बेसिकली दे अलाउड कंट्रीज की स्लॉब के सिवा अगर उन्हें कोई और भी टेस्ट डालने हैं इन दी एलओबी क्लॉजेस तो वो जितना डिटेल बनाना चाहे बना दे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज एनीवे वेरी मच विजिबल दैट लोग स्लॉब के लिए अग्री नहीं कर रहे तो डिटेल्ड लॉब के लिए तो नहीं करेंगे. So there's not so much of literature on detailed lob as it is on slob, but yeah, that's pretty much it. Yes. Right. Thank you. Here is this comparison that I was talking. जो मैं तीन बार आपको promise कर चुका हूँ कि बाद में discuss करेंगे, लेकिन ये मैं सच में discuss करूँगा कि between GAR and PPT. GAR ke andar, as I mentioned, the main purpose of the arrangement should be tax benefit, whereas PPT says one of the main purpose. Therefore, PPT is easier to get triggered in comparison to GAR. Also, mind you, GAR ke andar, sirf tax saving as the main purpose is not the only test. Iske siva, aapko tainted element test ko bhi satisfy karna padega. Aur jab aap tainted element test ko satisfy karenge, tab dono baatein satisfy hone pe hi GAR trigger ho sakta hai. Main ek baar remind kara raha hu. पहला टेस्ट क्या है कि यस द मेन पर्पस ऑफ एन अरेंजमेंट इज टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, बट उसके बाद आपको चार में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना है जिन्हें हम टेंटेड एलिमेंट टेस्ट कहते हैं, और वो चार कंडीशन क्या है, दैट योर ट्रांजैक्शन डिड नॉट हैव एनी सब्सटेंस, इट वाज देयर इन फॉर्म, द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन डिफर्स फ्रॉम इट्स फॉर्म, और इट हैज बीन डन इन अ मैनर व्हिच इज नॉट यूजुअल, इट इज डन इन अ मैनर व्हिच इज नॉट बोनाफाइड एटसेट्रा. सो ये अलग अलग टेस्ट है. अगर इन चारों में से कोई भी टेस्ट आपने फुलफिल नहीं किया तो GAR अप्लाई नहीं होगा, लेकिन पीपीटी के अंदर ऐसे कोई सेकेंडरी टेस्ट नहीं है, पीपीटी में मात्र एक टेस्ट है विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस, विच अगेन प्रूव्स दैट पीपीटी इज इजियर टू गेट ट्रिगर्ड. GAR में कई सारी एग्जेम्पशंस हैं, ग्रैंडफादरिंग बेनिफिट है, पीपीटी में कोई ग्रैंडफादरिंग बेनिफिट नहीं है, एक अकेला एग्जेम्पशन है जो हमने अभी बात करी थी, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस टेस्ट,
एंड ऑब्जेक्ट एंड पर्पस टेस्ट के लिए सीना चीट के अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर केसेस में दिखेगा कि एमएलआई का प्रियम्बल ही आपको वापस क्लियर बैक कर रहा है और वो कह रहा है डबल नॉन टैक्सेशन, तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। इंटरेस्टिंगली गार के अंदर कई सारे और कॉन्सिक्वेंसेस पॉसिबल है, दैट इज गार में एओ को ऑप्शन दी गई है कि वो कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप्स को कंबाइन कर सकता है, कुछ टेस्ट को इग्नोर कर सकता है। सो कई सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन पीपीटी में सिर्फ एक ही आउटकम है, ट्रीटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उस केस में वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते कि अच्छा अगर ये अरेंजमेंट नहीं किया होता तो भी कुछ बेनिफिट तो ट्रीटी में मिल रहा था, जो हम क्लिफ इफेक्ट के बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। गार में काफी सारी प्रोटेक्शन है, चेक्स एंड बैलेंसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेक्स है। फॉर इंस्टेंस कि एओ अपनी मर्जी से सीधा गार नहीं लगा सकता, उससे पहले सीआईटी से पूछना पड़ेगा कि साहब गार का केस लग रहा है, और अगर सीआईटी को लगता है हाँ यार गार का केस लग तो रहा है, तो उसके बाद गार पैनल पे भी बात जाएगी और सबके बाद जाके गार लगेगा। लेकिन पीपीटी के लिए ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रेशोल्ड नहीं है, विच मींस टेक्निकली स्पीकिंग आज की तारीख में जब 1 अप्रैल 2020 के बाद के असेसमेंट ईयर्स पे अगर एक असेसिंग ऑफिसर एक इजियर चीज पीपीटी लगाना चाहता है जो लगाना ज्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू गार, तो उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं है। अगर मैं एक असेसिंग ऑफिसर होऊंगा तो मैं खुशी खुशी पीपीटी लगाऊंगा रादर देन गार। विजय साहब सॉरी यू आर सेइंग समथिंग ऑन द फर्स्ट बुलेट आई वुड से द वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पसेस। सो एक्चुअली इन एनी टैक्स अरेंजमेंट और एनी बिजनेस डिसीजन आई वुड से आई थिंक दिस इज बाउंड टू फैक्टर इन लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द टैक्स इंपैक्ट ऑफ दैट। So given the two options before me, whether to set up my entity in this country or that country, I would always see there'll be metrics available with me, which I will see, oh, what is the labor cost? What is the capital cost there? What is the market there? What are the technology developments there? How the government is there? Stability hai, nahi hai? COVID effect kitna hai, for example, now, right? So, and what are the tax rates there? How can I take that benefit? So, if it is one of the principal purposes, so I may omit certain out of the metrics, but I may come out to be finally, what is my bottom line going to be? And thereafter, what is going to be the tax, right? So, and then that makes it out of the two or three criteria as one of the principal purposes. Yes, yes, yes. So if it is, that means it is likely to be triggered in any case. I so agree with you. In fact, मुझे इस लाइन से इतनी ऑब्जेक्शंस हैं। उसका बेसिक उसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, हम टैक्स प्रोफेशनल्स का, हम लॉयर्स का, मेरा एक ईगो उसमें बीच में आता है। सी एज कंसल्टेंट्स आई टेल माय क्लाइंट्स बॉस आप कोई भी बिजनेस डिसीजन ले रहे हो तो जब हो जाता है उसके बाद आप बाद में मुझे जाके कहते हो यार गौरव हमने डिसीजन ले लिया इसका टैक्स इंपैक्ट क्या होगा, जब मैं कहता यार ये क्या कर लिया इसका टैक्स इंपैक्ट तो बहुत खराब है, आप हमसे पहले पूछ लेते तो मैं आपको कुछ बेटर सॉल्यूशन बता देता। अब जब हमारी बात क्लाइंट्स माना करते हैं यू नो बिकॉज अब उन्हें लगता है हाँ भाई सर पे बाल कम है, दाढ़ी सफेद है, थोड़े लेक्चर्स वेक्चर्स पे भी आया करता है ऑनलाइन तो शायद कुछ पता होगा, सही कह रहा है। तो अब जब मेरे क्लाइंट्स मेरी इस बात को मानने लग गए हैं और वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले टैक्स को भी कंसिडर करते हैं तो सरकार कह रही है कि नहीं 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 टैक्स बेनिफिट को तो आपको कंसिडर किए बगैर अपने डिसीजंस लेने चाहिए। इनफैक्ट मुझे कुछ ऐसा सा लगता है कि हमें अब सरकार के सामने प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैंने कोई भी जो डिसीजन लिया उस टाइम पे मैंने बिल्कुल साधुओं के तरीके से सिर्फ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव देखे, टैक्स तो मैंने सोचा ही नहीं, और बाद में जाके जब मुझे पता चला उसमें कोई टैक्स बेनिफिट है देन आई शुड प्रिटेंड दैट आई जस्ट डिस्कवर्ड समथिंग विच वॉज लाइंग इन माई पॉकेट। जैसे कई बार जीन्स धुल के आती है तो उसमें से 500 का नोट निकलता बड़ी खुशी होती है, तो उसी तरीके से टैक्स बेनिफिट हुआ तो मुझे वैसे ही प्रिटेंड करना पड़ेगा कि अरे इसमें टैक्स बेनिफिट भी हो रहा था, आई डिडंट इवन नो दिस अर्लियर, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग, आई एम सो लकी गॉड दैट माय डिसीजन वाज सो राइट कि इसमें टैक्स बेनिफिट हो रहा है, बट मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा था। व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज फिलॉसफी। इफ आई एम अ गुड बिजनेसमैन आई विल टेक ऑल पॉसिबल रिपरकशंस टैक्स एंड नॉन टैक्स इन माय कंसीडरेशन व्हेन टेकिंग अ कॉल। Tax will be perhaps a very important consideration because after all, it is 30% of the costs that I incur. So I fully agree with you, sir. So that's a huge cost. So now the question is, fine, as far as the GAR is concerned, that is different. But I think that is sensibly made as the main purpose. Right. So that means you started with the tax and are building business around that. So that is okay. That is understandable. It should not be like that. Yes. But when it is the one of the principal purposes, the challenge before us is how to guard against that. To my mind, immediately solution comes is that you go for the sort of advance ruling or sort of APA for any arrangements in this case. So, but that means all such cases will line up. But that, again, the people will not go for the smaller cases in that.
But PPT will not have a threshold, I believe, like that. Yeah. Gar will have. Gar will have. Yes. And the challenge will be before us professionals, actually, while deciding what tax rate to be applied. So how do you help us in this? How do you guide? Is for the businessmen. For professionals, it is an opportunity. You know, as a litigation guy, I do a ton of litigation. I do a ton of advisory and litigation. But litigation ke andar to mujhe ye dikhta hai ki it is sad to put it this way. But somehow, while we are talking about tax simplification, and I'm not talking about my country, I'm talking about the global platform, right? Because this is all global that we're talking about. We are moving more and more towards complication. There's a counterpoint to this also, which is that, as I said earlier, ye chor sipai ka khel hai. Businessmen tax bachane ke chakkar ke andar, or tax administration, tax zara earn karne ke chakkar ke andar, at least fair share of tax ko earn karne ke liye, ye complexities built in hoti hi jati hai. But agar mujhse koi client poochta hai ki, Gaurav, what should I do? My suggestion to the client still is that your starting point of the decision is commercial and you are only asking me for its tax implication, then it is good. एक बड़ा अच्छा शब्द हम यूज किया करते हैं जिसे हम कहते हैं structuring, कि आप एक पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं, उस काम को कर तो लीजिए, लेकिन उसे करने का तरीका tax consultant बताएगा, because उस transaction को मैं इस तरीके से restructure कर दूंगा कि आपका जो tax implication मुझसे पूछने से पहले था और जो मुझसे पूछने के बाद हुआ उसमें आपकी मैं सिग्निफिकेंट सेविंग कर दूंगा. लेकिन अगर सोच के देखा जाए तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं हो रहा कि अब जो ट्रांजैक्शन इस स्ट्रक्चर में की जा रही है, और अब इस स्ट्रक्चर का मैं एक सिनोनिम यूज करता हूँ, इस अरेंजमेंट में की जा रही है, क्योंकि अरेंजमेंट इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बोथ इन गार एंड पीपीटी. तो शायद उस अरेंजमेंट का वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस, इस रीस्ट्रक्चरिंग का वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस इज टू सेव सम टैक्सेस. काफी हद तक कागजी कार्रवाई के थ्रू शायद इस चीज को डिफेंड करने की कोशिश की जाए कि नहीं, मेरा अरेंजमेंट का वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस वाज नॉट टैक्सेस. बट आई थिंक इट इज प्रेटी नाइव, इट इज प्रेटी रूडिमेंटरी ऑन पार्ट ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टू थिंक दैट अ साउंड बिजनेसमैन विल नॉट ट्राई टू सेव टैक्सेस बाय रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. अगर आज की तारीख में मेरा एक क्लाइंट मुझसे कहता है, गौरव, मैं इंडिया के अंदर एक ऑफिस खोलूंगा और उस इंडिया में एक सब्सिडरी खोलूंगा और इंडिया की सब्सिडरी को मैं पूरा का पूरा कंट्रोल अपने देश से करूंगा, और मैं कहूंगा, सर आप कंट्रोल कर तो लीजिए, लेकिन ना फिर इंडिया में पोयम लग जाएगी. तो सॉरी, ये हम तो ये आर्ग्यू करेंगे कि फॉरेन कंपनी इज कंट्रोलिंग एंटायरली द इंडियन बिजनेस, सो प्रॉब्ली इट्स अ वर्चुअल एक्सटेंशन. और कहीं ना कहीं पे मोटोरोला के डिसीजन में वर्चुअल एक्सटेंशन की बात की गई है, तो देख लो, थोड़ा सा रिस्क है. इसलिए माय सजेशन टू यू इज लेट द इंडियन एंटिटी रन इंडिपेंडेंटली एज अ बोर्ड रन कंपनी, लाइक ऑल द बोर्ड रन कंपनीज रन. And therefore, don't create this PE exposure for yourself. Sirf itni si agar maine advice di, to dekha jaye, to just this much change that abhi tak client soch raha tha ki wo Indian subsidiary ko pura iron fist ki tarike se control karega, aur ab wo soch raha hai nahi, wo aisa nahi karega. Is in dono differences ke beech ko bhi kya ye kaha jayega ki iska one of the principal purpose was to avoid paying taxes by the foreign company in India? I think then this debate can never end, and which is, I fully agree with you. Bahut hi theoretical bhi honi wali hai exercise. Or challenge is going to be the for the businessman, and opportunity is going to be for you and I. Thank you. Gauravji, Vijay ji, sorry to intervene. Right. Gauravji, I believe there are certain questions by the participants. I request, since they are already at 1 o'clock, right, could you please take up the questions quickly? Sure. So I'm first going to the Q&A tab. Would PPT be applicable where there is no double non-taxation scenario? That is, dividend is taxed at... Yes. So, Mr. Jain, Anand Jain, it's a very valid question. Koi bhi tax benefit, chahe wo reduced taxation ho, chahe wo double non-taxation ho, dono cases ke andar PPT trigger ho sakti hai. So, the question which Jain sahab has asked is ki kya PPT is matr tabhi trigger hogi jab double non-taxation ho rahi hai, ya wahan bhi trigger ho sakti hai jahan pe treaty ko use karke double non-taxation nahi, but lower taxation ho rahi hai. And the answer to that is PPT will apply to both these scenarios. Tax benefit, jahan jo PPT word use karta hai, wo tax benefit shabd ka prayog karta hai. And tax benefit includes not just double non-taxation, but also a reduced taxation. Manish, you have asked a question, how to find out this? I will give you, half a minute more to probably type out the explanation to your question. What do you want to find out? Does the concept of MFN not hold good in MLI? Alka has asked this question. Good question, Alka. See, where you are trying to use the most favored nations clause of a treaty
and for that you have opted for that particular treaty only so that you can abuse that MFN clause, then it's a problem. But otherwise, MFN clause which is being legitimately used by you is not overridden by MLI. So the point that I'm trying to say is, आपको पता है फ्रेंच ट्रीटी के अंदर MFN क्लॉज लिखा हुआ और आप उसको पोर्चुगल ट्रीटी के साथ में पढ़ेंगे तो आप मेक अवेलेबल बेनिफिट FTS की डेफिनेशन में ड्रॉइंग कर सकते हैं जो अदरवाइज नहीं है. अब आपको जो सर्विसेज आनी थी वैसे आनी थी जापान से, लेकिन अगर आपने सिर्फ इस क्लॉज को मिसयूज करने के लिए, और जापान के अंदर ना मेक अवेलेबल है ना MFN है, तो आपने सिर्फ इस क्लॉज को मिसयूज करने के लिए सिर्फ फ्रेंच सब्सिडरी ऑफ जापान के थ्रू रूट कर दिया. नाउ दिस इज एन अरेंजमेंट विच हैज बीन यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस क्लॉज. दिस इज ट्रीटी शॉपिंग क्लियरली. वहां पे तो ट्रीटी ही अप्लाई नहीं करेगी, MFN भी नहीं करेगा. लेकिन जहां पर जेन्युइनली एक फ्रेंच कंपनी से एक एडवाइस ले रहे हैं जो कि MFN क्लॉज की वजह से थिंग्स टू द स्टीरिया रूलिंग एटसेट्रा इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि MFN क्लॉज बिल्कुल खत्म हो जाए. मिस बेनी थापर, शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, सो पीपीटी विद लॉब इज मोर स्ट्रिंजेंट. Yeah, Vinny, so my, yes, I agree with you. So my point is, PPT alone is always be going to be lighter with lighter in comparison to PPT with slop. It's basically mathematical. A is always going to be less than A plus B. So I agree with you. Anant has repeated a question. If the US company in your example is not engaged in active business, but it's another US company is involved in active business, then the parent entity is held by, the parent entity is held by non-US individuals. So I understand from your example, Anand, that there's a US company. It has a group company, another US company, which is, it's probably parent entity. And the parent entity is an active entity. And the activity and entity is held by non-US individuals. I think, Anand, I'm not MLI, but I'm in US treaty interpretation. I'm also seeing that I can avoid this question because it's not MLI question. But to answer your question, US entity will still qualify. The lower entity will still qualify because it is held by an eligible, by a qualified shareholder. The qualified shareholder being qualified because it is active. The fact that it is held by non-US individuals does not matter. Agar aap active business kar rahe hain, to bhi chalega. Passive entities held by non-US individuals is an issue. Manish has written that I have already answered this question. Thanks. There's an anonymous attendee who has asked, would the recording of this session be available? I don't like, given how non-photogenic I am, and I would not even blame it upon the COVID crisis and non-photogenic even otherwise. But well, it is to the discretion of BVSS. Yes, we will make these videos available on the YouTube channel of BVSS. Roy ji, definitely with the permission of Gaurav. Yeah. I'll be all right, sir. I'll be all right. A lot of my funny and stupid comments will now live till eternity, but well, my wife will vouch for it. There are more stupid statements that I make on an average than I've made here, so I'm perfectly okay with that. Anand, it seems that I've already answered your questions. Thank you for that. I'm moving to chat in case there are any questions which are lying dormant in chat. No, it seems there are no questions in chat. Roji, can you hear me? I can hear you. I can hear you. Yeah. So could will you be able to share these PPTs with us as well? Absolutely. Ma'am, the PPTs have already been shared. Well, okay, PPTs have already, been shared to all the members who have participated. I did not get them. I'll recheck. Because there will be some questions that will start coming out of them when we actually start reading them all over again. Yeah. I agree with you. Although I'm notorious for this thing that my PPTs are not as verbose as I am. Basically, that's a way of people telling me that I'm bolta zyada aur likhta kam hu. But I'll do one thing. Just to set to rest. Gauravi, your screen is shared. And no problem. Gauravi, your screen has been shared. Okay. Just give me a second, sir. So I hope we are over with the questions, Gauravi, now. Yes, Manuji, I think we should conclude this session now. Time is already absolutely, over. Yes, absolutely, absolutely. First of all, give me just one more second, if I may be permitted. Yeah. I'm trying to solve a sliver of problem which I found here. Gaurav, meanwhile, if you could go back to slide 50, where you talked about PPT clause. So right. I just wanted to check that we have touched upon all the highlighted areas in that. Right. Give me just a second. Yeah. You will see right now on the chat,
That's a link from where you can directly download the PPT. So the ones who have, for whatever reason, you know, quite frankly, I will apologize. Manu sahab ne mujhse bahut baar kaha tha, lekin mere office ka kuch kaam aa gaya, to main thoda late ho gaya is PPT ko share karne mein. So from this link, you can directly download. Koi app shop download karne ki zarurat nahi. This is a secure website. I'm going back to PPT. There you are, sir. So we talked about one of the principal purpose and arrangement. Right. And Manoji, I think we have scheduled tomorrow morning also same time. Okay. Fine. Yeah, we'll take up this tomorrow morning. Right. From 11 to 1. Right. Okay. Thank you. So for the benefit of the members, I would like to confirm we are on tomorrow morning again from 11 to 1. And I would like to thank Gauravji, Shweta ji, and again Vijay ji for a wonderful, you know, interaction they had, and they taught our viewers how to read between the lines. Thank you all of you for your valuable contributions. Rohit ji, I have your words, and then I would like Baldev ji to, you know, say his words, and Anil Sharma ji to give words of thanks. Yes, I would like Baldev ji to speak something. Baldev ji, aap bole kuch. Baldev ji. Anji Rohit ji. Mona ji. Sir, your comments about the entire session, sir. It's a wonderful session taken by the Gaurav ji and all the participants and global analyst. Vijay ji has very interactive session, has created an interaction also. And moreover, Shweta ji has given a good input also on this. And we will continue on this tomorrow also. I hope everyone is enjoying and getting a good knowledge and intellectual knowledge, and basic things are coming in our mind, and we are more clearing day by on each and session by session. And thank you very much for Gauravji. Thank you, Sudhirji. I thought Mataji had left, so in the end I would request Mataji is here today because Mataji had said he would leave. So instead of Sharmaji, I would request Mataji to give a vote of thanks today. Rohitji, your comments. Yes, Mataji will give the vote of thanks, but just I want to say presidential remarks. I could not check in or log in time due to technical glitches, so I apologize for that. And Manduji, congratulations to your team for organizing this wonderful series of seminar on MLI, and especially in this tough time when the whole world is facing. And we are gaining knowledge here also. And today's session actually, I think, gained the old pace which we were, yesterday we were expecting that it will be going through. Now I think it is on the full track, and we will be having further clarifications and queries tomorrow also. And I would request to attendees also, everyone also, kindly write your questions in question answer part. And Manuji, tomorrow also, if you allow some participant to interact wherever they want to speak, so that it becomes more interactive on the last day of the part. And if we can allocate 15 minutes, especially for the question answer session, so that our session gets concluded by 12:45. And that will be, I think, very good for all of us to have the interaction one-to-one also. Sometimes what happens, to listen the voice of someone is also very nice in this tough time. So that opportunity should be allowed to the some of the participants who want to speak. So with this, thanks to Gauravji, and thanks to Anil Sharmaji, Amnish Mataji, Baldev Rajji, and Vijay Goyalji for sparing time. Thank you very much. एक मिनट के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. पहले मैं कहूंगा ये मेरी सभी मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट है कि हम उनको बिल्कुल टाइमली ईमेल कर रहे हैं, टाइमली मैसेज कर रहे हैं, तो वो प्लीज लास्ट मोमेंट के ऊपर हमारे को मैसेज कर दे कि मेरे को लिंक नहीं मिला. तो दे शुड इन्फॉर्म अस बिफोर 10 o'clock इन द मॉर्निंग, जो 11 एक घंटा पहले हमें कम से कम बताए. 11 o'clock इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. सेकेंड पार्ट इज सुबह सुबह क्योंकि सब लोग कनेक्ट करते हैं तो समटाइम्स लॉन्चिंग आता है लिखा हुआ, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट.
So please wait, don't send the messages. Please wait for 1 or 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. By 11:10 or 11:15, you communicate to us if you are not able to log. That is my only request. Thank you. Vipin ji, viewership bhi bata do aaj ki. Haan ji, viewership is more than 68. Actually, jo hume nazar aati hai, that is more than 68. But actually, some members come and leave. So ultimately, it goes up. We will come to know after the closure of seminar. बिफोर अपने फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दे तो मेरा भी एक छोटा सा कमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी 5 stars टू गौरव एज ए रेटिंग फ्रॉम माय साइड. पर मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि गौरव ने जो अभी हमें ये पीपीटी एक्सचेंज की है उसमें लास्ट स्लाइड में जो गौरव दिखाई दे रहे हैं और जो हमें आप दिखाई दे रहे हैं वो फर्क है. समझ नहीं आ रहा क्रेडिट किसको देना. सब्सटेंस ओवर फॉर्म. Mata ji, over to you. Thank you. First of all, thanks to Gaurav Singhal ji, the way he has presented yesterday's and today's session. It was so enjoyable that you find that even more 2 hours are less for these kind of deliberations. So for that, continuingly sitting at one particular place and listening to this deep deliberations is something which I enjoyed, and hopefully everyone else must have enjoyed this. Thanks to Rohit and Vipinji and Manu Karol for taking this initiative further. And I think the kind of deliberations you are having online, this is going to be new normal now. And we may lack the samosas and teas and pakoras of BVSS going forward. Anyway, thank you once again. And Gaurav, just one thing. We have probably not able to conclude on Article 14. In case you can just touch upon, because there was some kind of interaction with Vijay Goyal on that particular issue. In case you can conclude tomorrow, we'll be grateful to you. So we'll look forward for your candid opinion on this particular subject. Thank you once again and look forward to meet you all tomorrow. Thank you and God bless you. Thank you so much. Thank you, friends. Thank you, Gaurav ji. Hope to see you all tomorrow morning at 11. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you.